चलिए आई थिंक अभी हम लाइव हैं और स्टार्ट कर सकते हैं एक बार फटा फटाफट फटा बता दीजिए लाइव है क्या अभी हम ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है ना? आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं ना? <coughs> yes, मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ बट वही तो से जुकाम और वायरल फीवर हो गया <coughs> और उसकी वजह से आज मैं सुबह कुछ भी ले नहीं पाया अभी थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ बट मैं स्लोली स्लोली करवा दूंगा स्लोली मतलब थोड़ा धीरे बोलूँगा ठीक है एंड उतनी एनर्जी के साथ शायद बात नहीं कर पाऊँगा जितना हमेशा करता हूँ तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आर टी पी आर टी पी के सारे जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं आपको फटाफट से करवा दूंगा एग्जाम ओरिएंटेड और सारी चीज़ें बता दूंगा फटाफट क्विकली हम करेंगे ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ से आ भी जाए तो आप सिक्योर कर लो उस हिसाब से हम फटाफट से हम कवर अप कर लेंगे चलिए ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं मैं आपको बता दूँ इंडस वन जीरो थ्री का पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब में ये मैं नहीं कराऊंगा ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है मैं अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर टू लेके जाता हूँ क्वेश्चन नंबर टू सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है बस एक बार देखा हुआ रहेगा करा हुआ रहेगा तो बहुत आसान लगेगा अदरवाइज दिक्कत आएगी तो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही सिंपल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी क्वेश्चन टफ है यहाँ पर है ना और सारी हम फटाफट हम थ्रू कर लेंगे इंडेस ट्वेंटी वन का क्वेश्चन नंबर टू आपको याद होगा कि हम क्या करते थे हम फंक्शनल करेंसी हमारी कुछ भी हो सकती है अब प्रेजेंटेशन करेंसी अगर माँ हमारी अदर देन फंक्शनल करेंसी हुई तो ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रांसलेशन करना होता है प्रेजेंटेशन करेंसी में हमें क्या करना होता है ट्रांसलेशन करना होता है तो हम ट्रांसलेट कैसे करते याद आया होगा आपको एसेट्स लाइबिलिटीज़ को क्लोजिंग रेट में ट्रांसलेट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम आ, या तो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेते हैं या फिर एवरेज रेट लेते हैं और अगर मैं बात करूँ कोई इक्विटी और रिटेन अर्निंग की तो जिस डेट में इक्विटी फॉर्म हुआ था उस टाइम का हम एक्सचेंज रेट लेते हैं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देगा आपको तो ये ध्यान में रखना कभी भी क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेशन वाला ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन या फिर आप प्रेजेंटेशन करेंसी आपका दूसरा है तो आप एक दो बात का ध्यान में रखना एसेट लाइब्रेटी क्लोजिंग डेट इनकम एंड एक्सपेंसेस आपका एवरेज रेट होगा शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी के बारे में क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट हमें दिया हुआ क्वेश्चन ने बोला कि आपका फंक्शनल करेंसी डॉलर है आप प्रेजेंटेशन करेंसी रुपया में प्रेजेंट करना चाहते हो यहाँ पर बैलेंस शीट आपको देखो डॉलर में दिया हुआ है हमें फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल दिया हुआ इसमें कोई चीज काम का नहीं बस ये प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हमें पता है हम एवरेज रेट लेंगे या तो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेंगे ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का दिया होगा फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपको बता दिया रिटेन अर्निंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2003 का डेट है और बिगिनिंग मतलब क्या होगा फर्स्ट अप्रैल 2002 का रिटेन अर्निंग हमें बता दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर ईयर है फोर्टीन डिविडेंड हमने दिया इतना है ना ड्यूरिंग टू थाउजेंड में हमने डिविडेंड इतना का दे दिया और रिटेन अर्निंग एंड ऑफ द ईयर पे यानी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री का रिटेन अर्निंग हमारा ये तो इससे ये हमारा चेंजेस इन इक्विटी ये जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारा काम आएगा हम आगे बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग डालेंगे तो हमारे लिए जरूरत पड़ेगा अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला शेयर कैपिटल जब इशू हुआ था तब एक्सचेंज रेट सेवेंटी था तो चलो बैलेंस शीट में मैंने कहा था ना शेयर कैपिटल का डेटा दिया हुआ रहेगा तो देखिए जो फिफ्टी थाउजेंड है ना

फर्स्ट अप्रैल 2001 का रिटेन अर्निंग फोर लैक है और 2001 थाउजेंड वन टू का प्रॉफिट बता दिया फाइव लाख सेवेंटी टू थाउजेंड तो आप बताइए फर्स्ट अप्रैल 2002 का कितना होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू बोल दो या फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टू बोल दो नाइन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड होगा तो ये देखो ये जैसे मैंने कहा था ना ये फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टू का जो रिटेन अर्निंग दिया हुआ है टू थाउजेंड टू थ्री है तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टू का मैंने लिख दिया नाइन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड जो मैंने निकाला ये मैंने लिख दिया अब प्रॉफिट फॉर द इयर ये जो थ्री का प्रॉफिट फॉर द 2023 टू थाउजेंड टू थ्री बता टू थ्री का प्रॉफिट का वैल्यू ये रहा, 2002, ये 2002, का का ये रहा 1072985, तो मैंने सीधा रुपया में लिख दिया सीधा मैंने रुपया में लिख दिया वन जीरो सेवन टू नाइन एट फाइव मैंने लिख दिया पर। फिर डिविडेंड के लिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया कि सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव करके ट्रांसलेट होगा जो डिविडेंड आप थ्री थाउजेंड दे रहे हो

टू थाउजेंड थ्री का कितना तो ट्रांसलेट कर, कर दिया नीचे से डेटा लिया और उससे मैंने ट्रांसलेट कर दिया कोई टेंशन नहीं है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन का दिया हुआ टू थाउजेंड वन टू का रूपी में दिया हुआ तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टू का तो नाइन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड आई गया हमारा टू थाउजेंड टू थ्री की बात करें तो इसका वैल्यू बैठा टू थाउजेंड टू थ्री का भी रुपी वैल्यू दिया हुआ बैठा है डिविडेंड को ट्रांसलेट कर दिया में हमारा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ गया वो भी हमने डाल दिया अब तो टेंशन खत्म अब टेंशन है ही नहीं क्योंकि शेयर कैपिटल अदर इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग को तो हमने ट्रांसलेट कर ही दिया अब क्या करेंगे ये जो एसेट्स है ये सभी एसेट्स को हम क्या करेंगे क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे सभी लाइबिलिटीज को भी क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखो क्वेश्चन है नीचे हमें दिया हुआ है बोले थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू का रेट है सेवेंटी थ्री थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री का रेट है सेवेंटी फाइव तो आपका थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू का रेट सेवेंटी थ्री में सबको ट्रांसलेट करोगे और टू थाउजेंड थ्री वाला सेवेंटी फाइव में ट्रांसलेट करोगे तो ये सभी को फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी एट ये सभी को मैंने सेवेंटी फाइव में ट्रांसलेट कर दिया इन टू सेवेंटी फाइव कर दिया और ये इसको भी सेवेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करके ट्रांसलेट कर दिया इधर इन सभी को सेवेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करके ट्रांसलेट कर दिया अब देखो मुद्दा ये कि आपके एसेट्स लाइबिलिटीज तो 73 और 75 में ट्रांसलेट हो रहे हैं पर शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग तो अलग रेट से ट्रांसलेट हो रहा है तो यहां पर डिफरेंस आएगा तो जो भी डिफरेंस आता है उसे हम क्या 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 कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व और वो ओसीआई में जाता है तो आपका यहां पर एफ का डिफरेंस आ रहा है मतलब आपके पूरे एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटी मिला के ये फिगर आ रहा है मतलब डिफरेंस इतने का आ रहा है और 2002 में एसेट्स और लाइबिलिटी का मिला के डिफरेंस इतने का आ रहा है तो ये आपका एफ रहेगा 2002 का और ये आपका 2003 का एफ है तो देखो 2002 तक तो एफ सी टी आर फोर लैक नाइन टू थाउजेंड का पहले से था अब 2003 में इतने का एफ सी हो जा रहा है तो आपका इंक्रीज कितना हो रहा है इन दोनों से चेक कर लो वन फोर सिक्स जीरो वन फाइव इंक्रीज हो रहा है तो ड्यूरिंग द ईयर इतना हमारा इंक्रीज हो रहा है ये हम कहाँ डालेंगे ओ में डालेंगे तो अब देखो मैं आपको प्रेजेंटेशन बता देता हूँ आईसी के हिसाब से प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन करने को टेंशन वाली बात नहीं ये तो आप अपने आप अप टेबल कैसे बनाओ बैलेंस शीट मीन तो देखो बैलेंस शीट में पीपी ट्रेडिस ने ट्रांसलेट करके टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड टू का बना दिया शेयर टैपिटल रिटर्निंग का डाल दिया यही बस एक था एफ सी टी आर जो एफ सी टी आर मैंने निकाला था ना सिक्स थ्री एट जीरो वन फाइव जो डिफरेंस आपका बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हो आप इसको जो डिफरेंस रहेगा ये हमने निकाल दिया अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो इंक्रीज हुआ है और जितना इंक्रीज हुआ वो ओसीए में चला जाएगा देखिए अदर कम्परेन्सी में वन फोर सिक्स जीरो मतलब बना लेना फर्स्ट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा क्या शेयर कैपिटल अदर इक्विटी आएगा तो जैसे शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग और एफसी टी आर आ जाएगा आपका तो यहां पर आप देखिए आपका शेयर कैपिटल ओपनिंग थर्टी फाइव लाख था क्लोजिंग भी थर्टी फाइव लाख रिटेन अर्निंग हमें पता ही रहा रिटेन अर्निंग अगर हम देखें तो रिटेन अर्निंग हमने तो कर रखा हुआ ऑलरेडी रिटेन अर्निंग नाइन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड था प्रॉफिट और डिविडेंड माइनस करके क्लोजिंग बता देंगे तो यहीं से मिल जाएगा आपको डेटा ऐसा नहीं कि आपको मेहनत करना डेटा आपको वहीं से मिल जाएगा जो हमने टेबल बनाया देखो ओपनिंग और प्रॉफिट डिविडेंड माइनस के हमारा क्लोजिंग आ गया एफसी पिछले साल का फोर लाख नाइन टू थाउजेंड था ओपनिंग और ड्यूरिंग दर इतना इंक्रीज हो गया सिक्स थ्री एट जीरो ओपनिंग था ये क्लोजिंग और ड्यूरिंग दर जो इंक्रीज हुआ वो दिखा दिया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन जाएगा क्वेश्चन में कुछ भी खास दम नहीं है बताओ ये क्वेश्चन क्या आप आराम से कर लोगे या ना मुझे बोलो तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है बिल्कुल आराम से हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर टू में कोई परेशानी नहीं होगी आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री मैं नहीं कराऊंगा क्यों क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने एयरटेल टेलीकोम्यनिकेशन एयरटेल एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हमने कॉन्सोलीन में आई थिंक क्वेश्चन नंबर टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर थर्टीन या कुछ था वो आपने कर लिया होगा ये

ईश्वर लिमिटेड प्रतीक जगाती मारोगे मिल जाएगा अगर टाइम नहीं है तो अलग बात है ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है क्या पता पूछ ले छोटा वर्जन में पूछ ले आपको क्या पता बट चलो हम बाकी सारे क्वेश्चन करते एक ये क्वेश्चन जो है ये सिंपल क्वेश्चन हमने ऐसा करा हुआ पर फिर भी हम लास्ट में देख लेंगे करेंगे हम बाकी इसको भी गो थ्रू करेंगे पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ जो कि मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है

तो चलिए इंडेस एट अभी हम करते हैं का क्वेश्चन नंबर सिक्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आरटीपी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये भी सिंपल है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये देखो आपका थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोला आपने सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का रेवेन्यू रिपोर्ट किया टीओजीएस फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आपने रिपोर्ट किया इसके अलावा इनकम टैक्स एक्सपेंस का डेटा दिया हुआ चलो हमारे लिए अभी जरूरत नहीं है रिटेन अर्निंग का भी डेटा एक बार में नहीं लेता हूं फिर इन्होंने क्या बोला कि टू थाउजेंड टू थ्री में ये टू थाउजेंड का डाटा था रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर बोला नेक्स्ट ईयर टू थाउजेंड में हमें पता चला कि हमने पिछले साल कुछ एरर किया था टू थाउजेंड में यानी प्रीवियस ईयर में हमने कुछ एरर किया था और वो एरर की वजह से हमारा सिक्स थाउजेंड फाइव यूनिट का हमने कुछ प्रोडक्ट बेचा था बट हमने उसे इंक्लूड ही नहीं किया है ना वो हमने इंक्लूड ही नहीं किया वेर अप...

अब देखो टू थाउजेंड टू थ्री का ईयर का इन्होंने बता जो एरर है, तो तो है, तो है तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं तो ये सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें नहीं आएगा ये आपका एट्टी थाउजेंड ही हम पकड़ेंगे और ये सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड पिछले साल प्रीवियस में एडजस्ट करेंगे पिछले साल आपने सीओजीएस में नहीं लिया था तो कम आया था इन्वेंट्री में रखा था तो फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड की जगह आप क्या ईयर में आपका जो ओरिजिनल एटी थाउजेंड वही आएगा सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं आएगा हमारा तो अगर मैं यहाँ पर डेटा बनाऊँ अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर डेटा बनाऊ तो मैं कैसे बनाऊंगा देखो मैं अगर स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले रेवेन्यू लिखूंगा प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का देख लो आप सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका करंट ईयर का वन लाख फोर थाउजेंड रेवेन्यू है और टू थाउजेंड वन टू प्रीवियस ईयर का सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रेवेन्यू है कॉस्ट प्रीवियस ईयर का सिक्सटी थाउजेंड लेना है और करंट ईयर का एट्टी थाउजेंड लेना है तो हमने ये ले लिया सिक्सटी थाउजेंड और एट्टी थाउजेंड जो करेक्टेड वो लेना और यहाँ पर हम एक शब्द लिखेंगे री करके क्योंकि हम करेक्टेड वाला चीज ले रहे हैं तो ये हमने करेक्टेड वाला ले लिया हमने इसमें हमने क्या किया तो यही चीज हमें एडजस्टमेंट करना था जो इंपॉर्टेंट था ये हमने एडजस्टमेंट कर दिया यहां पर तो पिछले साल में एरर को ठीक कर दिया हमने तो थर्ड बैलेंस शीट की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है फिर इसके बाद आगे देखो आगे यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला अब और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हमें दिया है रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज क्वेश्चन हमें कहा कि आपका एक इन्वेस्टमेंट था जिसको अपने कॉस्ट में थ्री थाउजेंड में के रखा था

तो थर्ड बैलेंस सीट आपका कब होगा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन और फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन का टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन का वैल्यू कितना थाउजेंड तो थ्री थाउजेंड से हमें थाउजेंड पहुंचना ये तो आप थर्ड बैलेंस शीट में इंक्रीज करोगे कितने का फिफ्टीन थाउजेंड का थर्ड बैलेंस शीट में आप इंक्रीज करोगे तो थर्ड बैलेंस शीट में जब मैं फिफ्टीन थाउजेंड से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा

रीस्टेट होगा अब फर्स्रेल टू है टेंसन मतलब बता दिया था री स्टेट करेंगे और टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को भी इंक्लूड करेंगे हम बोलेंगे थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन का रीस्टेटेड रिटेन रिटर्न है तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन का आप देख सकते हो यहां पर मैंने किया हुआ ये देखिए अब फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन का आपका

नेट ऑफ टैक्स कम होगा पर हम टैक्स का इफेक्ट लास्ट में एक साथ कर देंगे क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाने वाला है और ट्वेंटी थाउजेंड से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी फाइव थाउजेंड बढ़ेगा तो आप देखिए यहां पर यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर आप देखिए जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का टू थाउजेंड है ये मैंने ठीक कर दिया और आपका इधर फाइव थाउजेंड मैंने ठीक कर दिया अब एक चीज और बचा हुआ डेप्रिशिएशन वाला वो करने के बाद हम क्या करेंगे लास्ट में टैक्स इफेक्ट दे, दे देंगे और फिर बात खत्म हो जाएगा हमारा तो आपको ये वाला चीज एकदम अच्छे से बताओ समझ में आ गया यस थ्री थाउजेंड से एटीन थाउजेंड हुआ फिफ्टीन थाउजेंड री कर दिया ओपनिंग रिटेन अर्निंग में फिफ्टीन थाउजेंड नेट ऑफ टैक्स फिर एटीन से ट्वेंटी टू थाउजेंड बढ़ाया प्रीवियस ईयर में ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव हमने बढ़ाया फाइव थाउजेंड करंट ईयर में ये हमने बढ़ा दिया अब क्वेश्चन एक और मशीनरी का बात क्वेश्चन ने बोला क्वेश्चन ने बोला कि थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउंड थ्री को

और आप पहले चार साल का ही लाइफ मान रहे थे तो उस हिसाब से 31 मार्च 2001 को आपने 15 रेट कार्ड डिप्रीशन किया 6000 डिवाइड बाइ 4 इयर्स 31 मार्च 2002 को भी आपने 15 रेट कार्ड डिप्रीशन किया तो आपका कितना आ गया 3000 आपका 1 अप्रैल 2002 को आ गया अब 31 मार्च 2003 को आप टोटल लाइफ बनाना चाहते हो

टोटल सेवन इयर्स है तो पांच साल में ये डॉप्रीसिए होगा मतलब सिक्स हंड्रेड होगा तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री में डॉप्रीशियशन सिक्स हंड्रेड होगा आपका लेकिन आपको बता दू क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या क्या पता है इन्होंने पूरा का पूरा फिफ्टी हंड्रेड डेप्रीशियशन लिया हुआ है पूरा का पूरा फिफ्टी हंड्रेड डेप्रीशिएशन लिया हुआ है जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस करते समय यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस करते समय फिफ्टी हंड्रेड लिया हुआ है बट लेना चाहिए था लिया तो नाइन हंड्रेड एड बैक करेंगे

उेंड अप्रैल तो 2002 का रिटर्न आ, तो आ गया तो कुछ नहीं तीन एडजस्टमेंट करना आपको ध्यान में रखना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां पर हमने क्या किया कम करके पिछले साल में एडजस्ट किया फिफ्टीन हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड क्योंकि

बताओ क्या ये क्वेश्चन अब आप आराम से कर लोगे बोलो क्या ये क्वेश्चन अब आप आराम से कर लोगे हाँ या ना मुझे फटाफट बता दो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर प्रोसीड करते हैं तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन में तीन ही ट्रीटमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका एकदम इजीली सिंपलेस्ट तरीके से हो जाएगा इंडस्टेल्व का क्वेश्चन बेकार से क्वेश्चन है लास्ट में डिस्कस करेंगे सिंपल सी एक चीज है जो मुझे बताना है तो ये मैं लास्ट में कराऊंगा मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर एसेट कर पता करना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो आप देखिए यहां पर इंडस थर्टी में बेसिकली क्या होगा परचेस प्राइस हम एड करते हमें हैं हमें पता है एम्प्लॉय कॉस्ट अगर इंटेंजिबल एसेट को बनाने में कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ वो डायरेक्टलीबल कॉस्ट है वो आपका एड होगा टेस्टिंग का खर्चा भी एड होगा आपका अदर कॉस्ट जो रिलेटेड टू कस्टमाइजेशन है वो भी ऐड होगा मैं आपको बता दूं ये डेवलपमेंट फेस यहाँ पर जिक्र किया हुआ रिसर्च फेस का कुछ भी खर्चा नहीं है कंफ्यूज मत होना मैं स्पीड में करा रहा हूँ ये डेवलपमेंट फीस का ही खर्चा जो भी है तो रिसर्च फेस का नहीं है कन्फ्यूजन मत करना प्रोफेशनल फीस भी हम ऐड करते हैं बट बताओ स्टाफ ट्रेनिंग हम ऐड करते हैं नहीं करते एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्रोहिबिटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड भी प्रोहिबिटेड ये ऐड नहीं करते अब नोट वन नोट टू में क्या दिया हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप है ना वो नाइन मंथ्स में हुआ था लेकिन आपने 12 मंथ्स का खर्चा एम्प्लॉय का यहाँ पर पकड़ रखा हुआ 1200. तो 1200 तो 12 का है ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड की थ्री हंड्रेड पीएनएल में जाएगा बोला जो अदर कॉस्ट है उसमें फिफ्टी थाउजेंड रुपीजॉर्मल है और हमें पता है, लेबर हम करते है. ये में जाएगा. तो फोर फिफ्टी थाउजेंड में से फिफ्टी थाउजेंड मैंने माइनस करके हंड्रेड आएगा अब क्या करना सिक्स हंड्रेड नाइन हंड्रेड एटीन हंड्रेड फोर हंड्रेड टू ट्वेंटी को प्लस करेंगे बाकी हमारा पीएनएल जाएगा बताओ क्या समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल था सर ये वाला क्वेश्चन तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था अब ये इंडेक्स वन जीरो का भी क्वेश्चन आपका मोडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन

डिफरेंस अगर टेन परसेंट से ज्यादा है तब इस इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग टेन परसेंट से कम है तो फिर आपका मोडिफिकेशन अकाउंटिंग होगा तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को आपने चार साल का लोन लिया फाइव थाउजेंड में इंटरेस्ट रेट एट परसेंट है मार्केट का भी रेट एट परसेंट है बट ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारा इनका हुआ हंड्रेड तो देखो लाइबिलिटी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस होता है पता लाइबिलिटी ये है जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस हुआ तो लाइबिलिटी हम फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड पकड़ेंगे और जब भी आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका माइनस होता है हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना होता है इन्होंने दिया हुआ है टेंशन नहीं हमें निकालना नहीं पड़ेगा एट पॉइंट सिक्स वन टू परसेंट इन्होंने दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे अब हमारा ये लाइब्रेटी है फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड मतलब ये सारे कैश फ्लो उसको ऐसे रेट से पुल करो किए परसेंट से आ जाएगा ये हमें पता है हर साल और हर साल पेमेंट माइनस करेंगे टू थाउजेंड वन टू में कुछ इनको डिफिकल्टी हुई फाइनेंस और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को यानी एक साल के बाद फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को लोन लिया था आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड आप मोडिफिकेशन करना चाहते हो तो ईयर एंड का सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट निकालूंगा फर्स्ट ईयर एंड का मैं क्या बोलूंगा फोर्टी नाइनरेड मेरा ओपनिंग लोन है उस पर इतना इंटरेस्ट चढ़ा दूंगा है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लोन और पेमेंट में फोर हंड्रेड कर दूंगा ये माइनस कर दूंगा लोन टू बैंक मेरा आपका क्लोजिंग लाइब्रेटी ये आ जाएगा ये आपका ओल्ड लाइब्रिटी का कैरिंग अमाउंट है अब मुझे टेन परसेंट टेस्ट करना है

तो हम ये रिवाइज टर्म्स ऑफ कैश फ्लो को क्या करते हैं हम ओरिजिनल रेट से पुल करते हैं ओरिजिनल ई आई आर से पुल करते हैं तो मैंने ओरिजिनल ई आई आर से पुल किया तो मेरा ये वाला अमाउंट है दो तीन रुपए का फर्क आएगा ऐसे के सॉल्यूशन में क्योंकि वो दो डेसिमल ले रहा है मैंने एक्जैक्टली exactly ये वाले से पुल किया रहा वो तीन डेसिमल लेते हैं तो दो तीन रुपए का फर्क आएगा आपका यहाँ पर तो ये हमारा लाइबिलिटी आया है ना अब इसमें एक और चीज क्या बोला कि हमें हमने फिफ्टी रुपीज का कुछ पेपर वर्क का भी पैसा हमने दिया तो हम मानेंगे कि देखो नया लाइबिलिटी हमारा क्या है एक तो हमें फ्यूचर इतना पैसा देना जिसका प्रेजेंट वैल्यू ये ऊपर से पचास रुपया और खर्च करने तो टोटल हमारा इतना रुपया खर्च हो रहा है तो जो पहले हमारा इतना रुपया लगता अब हमारा इतना रुपया लगेगा तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है कितना हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है थ्री थर्टी टू डिक्रीज हो रहा है कहां से फोर नाइन डबल टू से इंटू हंड्रेड अराउंड सिक्स पॉइंट एट परसेंट का आपका लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो जबकि टेन परसेंट से कम है तो हम बोलेंगे कि मोडिफिकेशन जो है एक्सटी नहीं होगा आपका एक्सटी अकाउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि टेन परसेंट से हमारा कम है बस बात खत्म बोलेंगे मोडिफिकेशन विल नॉट बी अकाउंटेड एज पर एक्सट बिकॉज आपका जो टेन परसेंट टेस्ट है वो पास नहीं हो रहा है आगे फर्दर करने को नहीं बोला बस इतना ही पूछा extinguishment का आप अकाउंटिंग करोगे कि मोडिफिकेशन अकाउंटिंग करोगे और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर नाइन भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर टेन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन ये भी एकदम आराम से करा दूंगा कैश लो वाला और ये एग्जाम में आने का चांस हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है बस इसमें एक दो चीजें बतानी है बाकी क्वेश्चन है और हमें नीचे एक और इन्फॉर्मेशन दिया लास्ट में डिस्कस कर लेंगे आप देखो यहां पर हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो हमें देखो यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है

इस साल करंट ईयर में आपका लाइबिलिटी हो गया वन लाख थर्टी टू थाउजेंड का मतलब लाइबिलिटी ट्वेल्व थाउजेंड से ट्वेल्व मतलब थाउजेंड कम दिया, दिया। तभी आपका लाइबिलिटी बढ़ा है तो हम मानेंगे हमने 8, 80, नहीं दिया हमने 8, 68, तो एट लाख सिक्सटी एट थाउजेंड लास्ट में माइनस करेंगे ये हमें कैसे पता चला इससे पता चला और या फिर मैं आपको एक बात बता देता हूं आप ऐसे भी कर सकते हो सीधा आप पर 8 हम चाहे तो एट लाख एट्टी थाउजेंड माइनस करेंगे और लाइबिलिटी ट्वेल्व थाउजेंड से बढ़ रहे तो प्लस कर देंगे मतलब एक मंत्र आपको बता रहा हूं एग्जाम के लिए शॉर्टकट जब एसेट इंक्रीज होगा ना तो आप प्लस करोगे जो भी डिफरेंस है और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो जो भी डिफरेंस है आप क्या करोगे कुछ जो गलती से बोल दिए जब एसेट इंक्रीज होगा जो भी डिफरेंस से माइनस होगा जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा जो भी डिफरेंस से प्लस होगा यानी जब एसेट डिक्रीज होगा तब क्या करोगे प्लस करोगे डिफरेंस लायबिलिटी आपका डिक्रीज होगा तो क्या करोगे माइनस करोगे मतलब एसेट में उल्टा होता है एसेट बढ़ने पर हम कैश फ्लो में माइनस करते हैं एसेट गिरने पर हम प्लस करते हैं

तो ये मैंने यहां पर लास्ट में कर देना अब डेप्रिशिएशन हमें पता नॉन केस आइटम है, ये हम आइटमेक कर देंगे सिक्स लाख रुपीज का ये मैंने एडबेक कर दिया इसके अलावा अब जैसे सेल से रिलेटेड रिसीवेबल होता है जो नीचे देख लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड आपका इन्वेंट्री और पेएबल रहता है वो हम नीचे देख लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस सैलरीज एंड वेजेस में भी आपका क्या पता जितना एक्सपेंस है उतना आपने पे नहीं किया तो उसका डिफरेंस हम क्या करेंगे हम नीचे देख लेंगे चेंजेस में तो आप देखो मैं सबसे पहले तो लिखूंगा कि कौन से बैलेंस शीट से मुझे चेंज पता चलेगा देखो लैंड आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बिल्डिंग भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कैश तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लास्ट में हो जाएगा इन्वेंट्री हमें पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ट्रेड डिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एडवांस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानते हैं फिर इसके अलावा आप देखो लाइबिलिटी के अंदर शहर कैपिटल फाइनेंसिंग होगा ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानते इनकम टैक्स पेबल तो मैंने एडजस्ट दिया ये करवाईटेड अप्रीशियन भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड लास्ट में देख लेंगे तो अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं 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 क्या करूंगा पता सिंपल रखूंगा मैं। मैं बोलूंगा अगर एसेट बढ़ रहा है तो माइनस करूंगा तो देखो यहां पर वन लाख एट्टी थाउजेंड से इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो इतना मैं माइनस कर दूंगा जितना बढ़ रहा है चेंज वन लाख एट्टी थाउजेंड बढ़ रहा है उतना माइनस कर दूंगा मैंने बोला ना एसेट बढ़ेगा तो माइनस करेंगे तो ये माइनस कर देंगे ट्रेड रिसिबल्स आप देखिए घट रहा है तो प्लस करेंगे जितना घट रहा है उतना प्लस कर देंगे लॉजिक मैंने ऐसे दिया हुआ अभी लॉजिक का जरूरत नहीं अभी मैं फटाफट करवा रहा हूं आपको और एडवांसिस भी आपका बढ़ रहा है तो माइनस कर देंगे यानी एसेट्स ही है ये तीनों क्या है एसेट्स है और एसेट्स बढ़ेगा तो माइनस करेंगे घटेगा तो प्लस करेंगे तो आप देखो वन लाख एट्टी थाउजेंड माइनस होगा लाख एटी थाउजेंड माइनस होगा मैं आपको नीचे सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा मैंने कर रखा हुआ है एक बार मैं रफ में बता रहा हूं क्योंकि एसेट गिर रहा था तो प्लस हो जाएगा हमारा और देखो इधर एसेट बढ़ रहा है तो माइनस होगा ट्वेल्व थाउजेंड से माइनस हो जाएगा ये हो गया हमारा फिर अगर लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी में ऑपरेटिंग में ये दो चीज ट्रेड पेबल लाइबिलिटी बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस यहां पर घट रहा है रहे माइनस यहाँ पर बढ़ रहा है टू लाख फोर्टी थाउजेंड प्लस माइनस सिक्सटी थाउजेंड प्लस टू लाख फोर्टी थाउजेंड और ये आप करोगे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा मैं आपको सोल्यूशन लेके चलता हूं ये देखो मैंने यहां पर बना रखा हुआ है ये देखिए आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स पहले जोड़ा और लास्ट में मैंने माइनस कर दिया नेट जितना हमने टैक्स पे किया ड्रीशिएशन मैंने एडबे कर दिया अब जो एसेट आपका है ये तीन ये एसेड आपका बढ़ा तो माइनस किया और बढ़ा तो माइनस किया घटा तो प्लस कर दिया लाइबिलिटी बढ़ा तो प्लस किया घटा तो माइनस किया ये मैंने चेंज कर दिया मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया अब मुझे बस देखना है क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखना है मुझे और कुछ भी नहीं देखना है तो यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना देखो लैंड में हमें पता कोई डेप्रीशिएशन वगैरह होता नहीं है लैंड के मामले में कोई डप्रिसिएशन नहीं होता है तो लैंड आपका बढ़ा है अगर होता नहीं है थाउजेंड से नाइन लाख मतलब फोर लाख थाउजेंड से अगर एसेट बढ़ेगा तो माइनस होगा पहले तो ये समझ लो और इसका मतलब कि हमने किया लैंड परचेज़ किया ना तो फोर लाख एट्टी थाउजेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने लैंड को परचेज किया और एसेट बढ़ने से माइनस होता है ये देखो फोर लाख एटी थाउजेंड परचेस ऑफ लैंड हमारा क्या हो गया माइनस हो गया यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में इतना लेजर वगैरह बनाने का समय नहीं मिलेगा मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा एक वाला बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट देखो बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट जो लिखा हुआ है नहीं कॉस्ट में लिखा हुआ है थर्टी सिक्स लाख और फिफ्टी सेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड आप बोलोगे सर कैसे पता चला क्योंकि नीचे देखो एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अलग से बताया मैं

इसके अलावा इधर फिफ्टी सेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड का कॉस्ट है माइनस थर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड करोगे आप तो आपको पता चलेगा कैरिंग अमाउंट इतने का है तो टू थाउजेंड टू में कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इतने का टू थाउजेंड थ्री में कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इतने का है अब हमें पता है एसेट जो कैरिंग अमाउंट हमारा है इतने का उसमें डेप्रिशिएशन जो भी होगा वो तो एसेट को गिराएगा तो डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग द ईयर हमें यहाँ पर मिल रहा है ये वाला बस ध्यान देना सिक्स लाख का जो भी किया था। तो ये तो एसेट की वैल्यू को माइनस करेगा कि कर दिया। अलावा, अगर आप कोई को बेचोगे ड्यूरिंग दैरिंगना कितने का ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो आपने बेचा वो सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का था ये मैं माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए आज की डेट का वो मुझे कैसे पता चलेगा आप देखो मेरी बात डेशन हमारा कितना हुआ था सिक्स लाख का ड्यूरिंग द ईयर हुआ था बट अगर आप देखोगेटेडिएशन आपका 20, से ही बढ़ा है इक्विपमेंट से रिलेटेड और ये तो आपका डी रिकॉग्नाइज हो गया इसलिए वो अक्यूमुलेटेड एप्रिशिएशन यहां पर नहीं आया तो कहने का मतलब सिक्स लाख का ड्रिशिएशन टोटल एक्सपेंस था लेकिन हम देख रहे की वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड से अक्यूमिलटेड अप्रीशियशन बढ़ा है मतलब फोर लाख एट्टी थाउजेंड का जो है वो रिलेटेड टू आपका जो इक्विपमेंट आपने बेचा उससे रिलेटेड है तो आप देखो ये कॉस्ट था सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और इससे रिलेटेड फोर लाख एट्टी थाउजेंड का डप्रिशिए पता चल गया मतलब मैंने निकाल लिया कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड कितने का टू लाख फोर्टी थाउजेंड का तो ये भी मेरा यहां पर माइनस हो गया कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड तो कहने का मतलब ये है पहले तो मैंने क्या किया कॉस्ट माइनस अक्यूमिलटेड अप्रीशियशन कर लिया ये

जितना हमने परचेज किया उतना हमारा एसेट बढ़ा है एसेट बढ़ा मतलब माइनस और ये देखो ट्वेंटी थाउजेंड माइनस हो गया हमारा यही सबसे इंपॉर्टेंट है यही एक बार आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा इसमें गड़बड़ मत कीजिए इसमें क्या स्टेप रहेगा सर कॉस्ट माइनस माइनसलेटेड अप्रिशिएशन से कैरिंग अमाउंट दोनों निकाल लिया हमने लाख पूरा माइनस कर दिया और दूसरी चीज हमने क्या बोला कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट था ना सेवन लाख ट्वेंटी डेप्रीशियशन पता चला फोर लाख एट्टी थाउजेंड है क्योंकि वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हीटेड बढ़ा है तो फोर लाख एटी थाउजंड माइनस करने के बाद हमारा टू लाख फोर्टी थाउजेंड का कैरिंग अमाउंट एसेट सोल्ड वो वो माइनस करेंगे फिर जो डिफरेंस बढ़ा है उतने का परचेज किया तो ये चीजें देखो मेरे ख्याल से किसी ने भी खुद से क्या होगा तो इतना सिंपल वे में नहीं क्या होगा ये सब मैथ से देखो और मैं खुद से करता हूँ खुद से मैं चीजों को एनालाइज करता करता उसके बाद कोशिश कि आप लोगों के लिए एकदम ईजी बनाऊ यहाँ पर बाकी टेबल वगैरह बनाओगे तो पागल हो जाओगे आप और अब देखो आप आपका अब यहाँ पर क्या पता चला मेरी बात सुनो हमने एसेट को बेचा कितने का टू लैख फोर्टी थाउजेंड का हमने एसेट को बेचा है अब एक चीज और इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट तो तो पीएनएल में हम मिले होंगे थ्री लाख सिक्सेंड मिला होगा कैरिंग अमाउंट टू लाख फोर्टी थाउजेंड का था उसको बेच के हमने वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट किया मतलब हमें एसेट बेचने का पैसा मिला थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड और एसेट बेचने का पैसा मिलेगा तो कैश इनफ्लो है हमारा तो देखो सेल ऑफ इक्विपमेंट आपका देख लीजिए थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड आया ये दोनों में आप फंस सकते हो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा ये दोनों आप ध्यान रखिएगा इसके अलावा ऊपर कहीं भी नहीं फंसोगे आप मैं श्योर हूं आप फंसोगे तो इन दो जगह में फंसोगे ये दो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अभी फिर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आ जाएगा अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी एकदम सिंपल है इसमें क्या आएगा पता है एक तो डिविडेंड दोगे आपका कैश को माइनस करेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और एक और एक चीज क्या हो रहा है पता मतलब तो तो हमारा ये देखो एट लाख फोर्टी थाउजेंड बढ़ गया और डिविडेंड जो हमने पे किया वो माइनस किया हमारा नेट कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ गया तो तीनों मिला के तीनों एक्टिविटी से हमारा इतना कैश जनरेट हुआ

गलती मत करना बाकी मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन आराम से संभाल लोगे तो बताइए क्या ये क्वेश्चन अगर आपका होता है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब आगे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा 11 12 आपको फटाफट डिस्कस करवा दूंगा यस yes, 14 ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे आराम से होगा ये सब तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फटाफट करते हैं जी कह रहे यहीं पर फंसे हुए थे अब तो फंसे हुए नहीं हो चलो <coughs> क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा शुभम जी जो भी मैंने टेस्ट दिया था जी मेरा कोई जन्मदिन नहीं आज चलो क्वेश्चन नंबर हम अब कौन सा करेंगे इलेवन इंडेस वन जीरो फाइव का इंडेस वन जीरो कि आपका कोई भी नॉन करंट एसेट है या डिस्पोजल ग्रुप को अगर आप हेल्थ फॉर सेल क्लासीफाई करते हो और अगर आपको लगता है सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा विद इन वन ईयर तो हम उसे एसेट फॉर सेल कर सकते हैं इंडस के हिसाब से जहां पर हम कैरिंग अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू तो सेल एवर इज लोअर में दिखाते हैं बट एक बात मैं आपको बता दूं अगर जेन्युइन सर है तो हमारा वन ईयर से ज्यादा भी अगर हमारा टाइम लग जाएगा सेल करने के वजह सेल करने में ड्यू टू जेन्युइनिटी तब वो भी एक्सेप्टेबल है ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक डिवीजन है जिसे हम बेचना चाहते हैं और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है प्लान टू सेल सेल एक्सपेक्टेड है कि वो कंप्लीट होगा वन ईयर में बट स्टिल इट क्वालिफाइज टू बी हेल्ड अंडर सेल कॉस्ट टू सेल द डिवीजन इज एस्टिमेटेड टू बी ये देखो आफ्टर वन ईयर लिखा हुआ विद इन वन ईयर नहीं आफ्टर वन ईयर लिखा हुआ है

थर्टी सितंबर को भी थर्टी फर्स्ट मार्च को भी आपका फोन हंड्रेड का कैरिंग अमाउंट दे दिया और हमें बोला भी है कि आप थर्टी सितंबर को थर्टी फर्स्ट मार्च को किस वैल्यू में रिकॉर्ड करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनो यहां पर क्वेश्चन है कॉस्ट टू सेल भी दिया हुआ है हमें टेन करोड़ का कॉस्ट टू सेल और ये कॉस्ट टू सेल बता दिया कब इनकर होगा पता है मार्च टू थाउजेंड में इनकर होगा अब देखो मुद्दा क्या है हम आज 30 सितंबर 2001 को बैठे 30 सितंबर 2001 को ही हम क्लासीफाई करना चाहते हैं सेल्ड फोर सेल और ये हमें लग रहा है कि सेल जो होगा ये डेढ़ साल के बाद होगा वन एंड हाफ ईयर के बाद थर्टी सितंबर से लेकर होता है तो जब वन ईयर से ज्यादा का डिले होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो भी सेलिंग कॉस्ट होता है ना उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में बुक करते हैं जैसे हमने डिसमेंटलिंग वगैरह का भी जो हम प्रोविजन होता है प्रेजेंट वैल्यू में दिखाते हैं तो फेयर वैल्यू तो फोर तो टू सेल हम जो लेंगे वो कॉस्ट टू सेल पूरा टेन करोड़ नहीं लेंगे इसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो थर्टी को जब मैं लूंगा तब तो मैं बोलूंगा कि डेढ़ साल के बाद खर्चा लगेगा तो डेढ़ साल का प्रेजेंट वैल्यू लेना है और वन एंड हाफ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ पी फैक्टर तो टेन करोड़ का पॉइंट एट सिक्स सेवन लेना है मुझे होगा तो आप देखिए फोर हंड्रेड करोड़ का सेल है एट करोड़ का सेवन करोड़ सेल होगा सॉरी तो फोर करोड़ का फेयर वैल्यू है एट करोड़ का सेवन करोड़ सेल होगा और मैं इतने का दिखाऊंगा ये मेरा कैरिंग अमाउंट होगा मतलब मैं इंपायरमेंट करूंगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट फाइव हंड्रेड है और मेरा फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल ये माना जाएगा मतलब तो वही है तो इम्पायरमेंट लॉस तो फर्दर होना चाहिए मैं एग्री करता हूँ क्योंकि बट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को हमें जो हमने प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया था उसका अनवाइंडिंग करना पड़ेगा डिस्काउंट का वो कैसे करेंगे देखो हम बोलेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च 2002 को अब यहां से वन ईयर की दूरी पे हमारा सेल होगा तो हम अब टेन करोड़ जो है फेयर वैल्यू तो फोर हंड्रेड ले लिया टेन करोड़ को वन ईयर का पीवी में पुल करेंगे पॉइंट नाइन जीरो नाइन से हमें हमारा आया थ्री नाइनटी पॉइंट नाइन वन का तो हम क्या करेंगे हमारा जो आपका फेयर वैल्यू है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पहले इतना था फेयर वैल्यू कॉस्ट तो सेल इतना हो, हो रहे। तो टू से हमारा जो एसेट गिर रहा है उसको हम पी एन एल में दिखाएंगे ऐसे फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट क्यों तो दिखाओगे क्योंकि हम ये डिस्काउंट का अनवाइंडिंग कर रहे हैं और जब भी डिस्काउंट का अनवाइंडिंग करते हो आप उसे फाइनेंस कॉस्ट मानते हो जब भी डिस्काउंट का अनवाइंडिंग करेंगे हम उसे क्या करेंगे फाइनेंस कॉस्ट मानेंगे हम चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि टेन परसेंट एक साल का तो छह महीने का फाइव परसेंट से भी कर सकते थे हम चाहते तो उससे भी हमें पता चल जाता जैसे कि अगर आप देखोगे एट पॉइंट सिक्स सेवन है इसका फाइव परसेंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट फोर टू के आसपास आएगा पॉइंट फोर थ्री आ रहा है पर पॉइंट फोर टू के पास ही आएगा मतलब डिस्काउंट का अनवाइंडिंग हो रहा है तो एग्जाम में सिंपल रखना है एग्जाम में क्या करोगे थर्टी सप्तेंबर को फेयर वैल्यू और थर्टी फर्स्ट मार्च का फेयर वैल्यू तो वही रहेगा कॉस्ट टू सेल को यहां पर हाफ ईयर का पीवी से खींचना यहां पर वन ईयर का पीवी से खींचना और जो भी डिफरेंस होगा वो टू थाउजेंड टू के एंड में हम फाइनेंस कॉस्ट दिखाएंगे पॉइंट फोर टू का बस इतना ही आपको करना है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है चलो इंडेक्स टू का ये क्वेश्चन अच्छा है इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ कुछ बात मुझे आपको बताना है और ये आपका ये आपका क्वेश्चन सिंपल और एग्जाम में पूछा जा सकता है और अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक तो जरूर से बनता है और जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरा बर्थडे नहीं है क्यों एप्पी वाला बर्थडे गुरु जी अरे मेरा बर्थडे नहीं है मेरे भाई मेरी बहन मेरा बर्थडे नहीं है क्यों विश कर रो उस भी विश कर रहे थे क्या कुछ लॉजिक है क्या कोई रीजन है क्या आप विश कर रहे हो मेरा बर्थडे नहीं है इंडे टू में आ जाओ मेरा बर्थडे फैब में आता है थर्टीन फैब को आता है इंडे टू का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अभी हम डिस्कस करते हैं ए लिमिटेड बिगिन ऑपरेशन टू थाउजेंड वन टू में इसने फॉलोइंग एक्सपेंडिचर किया है तो हमें पता है कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज होता है कन्वर्सन कॉस्ट होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है और अदर नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू लोकेशन एंड कंडीशन वो सारे जो भी नेसेसरी कॉस्ट होते हैं हमारे कैपिटलाइज होते हैं इसके अलावा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ये सब हमारा कैपिटलाइज नहीं होता है फैक्ट्री का जो भी रिलेटेड खर्चा है वो हमारा होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड माना जाता है तो आप देखिए Purchase price के हमारा होगा, होगा। Import duty purchase tax. तो होता है तो होता बट ये नहीं होगा क्योंकि रिफंडेबल है और आपका फ्राइड का खर्चा है ना फ्राइड का खर्चा फैक्ट्री में लाने का यस ये भी कैपिटलाइज होगा हमारा इसके अलावा अनलोडिंग मटेरियल्स का लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा भी कैपिटलाइज होता है अगर पैकेजिंग नेसेसरी है

है ना ये होगा और आपको मैं बता दू इसकी जर्नल एंट्री क्वेश्चन पूछ टू कैश दिखा, दिखा, दिखा दिया हमने सीधा मतलब इन्वेंट्री का खर्चा हम मानेंगे सारा पैसा भरा हमने बैंक से पैसा गया इन्वेंट्री टू बैंक हो जाएगा फोर टू फोर नाइन जीरो का इसके बाद आगे हमारा एडिशनल कॉस्ट भी हुआ प्रोडक्शन करने पर एडिशनल खर्चा हुआ Of the है. के वर्कर को पैसा देना फैक्ट्री बिल्डिंग और इक्विपमेंट जो की प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ है, उसका डेप्रिशिएशन भी आएगा है ना अगर मतलब आएगा जितना आपका इन्वेंट्री को प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो रहा है उतना हम डेप्रीशिएशन को पीएनएल में चार्ज नहीं करते हम क्या करते है? उसको कैपिटलाइज कर देते हैं इन्वेंट्री में और इसकी एंट्री क्या होगी देखो डेप्रीशिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम करेंगे 600 का बट ऐसे तो आप क्या करते हो आप डेप्रीशिए पी एन में चार्ज करते हो अगर कहीं पर कैपिटलाइज नहीं होता तो डप्रिशिएशन पीएनएल में चार्ज होता है एंट्री होता है पीएनएल टू डेप्रिशिएशन लेकिन हम इसी पीएनएल की जगह पे हम इन्वेंट्री को कैपिटलाइज करेंगे अगर वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो तो एंट्री आपकी यहां पर क्या होगी बताया पी एन एल टू डेप्रिशिए होगी इनवेंट्री टू होगी और वही ICA ने ये एंट्री कर रखा हुआ है यानी आईसीएड ऑफ पीएनएल टू डेप्रीशियन आपका होगा इनवेंट्री टू डे तो आप समझ लो ये तो पैसा हमने दिया 5, और यहां पर तो इनवेंट्री टू कैश कर लोगे बट ये जो आपका डप्रिशिए वाला एंट्री होगा वो इन्वेंट्री टू डेप्रिशिए होगा ध्यान रहे जहां पर भी डेप्रिशिएशन कैपिटलाइज करेंगे वहां पर इन्वेंट्री टू डेप्रिशिएशन की एंट्री मारेंगे बाकी जगह में इन्वेंट्री टू बैंक बस बात खत्म

समझ में आया जो मैंने यहां पर दिखाया है ना और अगर आप इन्वेंट्री का यूज करो तो इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री हो जाएगा बाकी देखो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटीज हुआ ये तो आपने पैसा दिया होगा कैपिटलाइज होगा फैक्ट्री का रेंट भी कैपिटलाइज होगा आपका डेप्रिशिएशन ऑफ द एंटिटीज व्हीकल यूज्ड बाय फैक्ट्री सुपरवाइजर ये भी कैपिटलाइज होगा बस इसकी एंट्री क्या होगी इन्वेंट्री टू डेप्रिशिएशन होगी तो अभी तक आप देखिए यहां पर हमने ये कैपिटलाइज किया जो भी फैक्ट्री का डेप्रिशिएशन सैलरी वगैरह था वो सब आप देखिए कैपिटलाइज हुआ है अब आगे जाके बोला टू थाउजेंड वन टू में आपने एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी किया एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का सैलरी भी कैपिटलाइज नहीं होगी ऑफिस के हो गए खर्चे ऑफिस के खर्चे कैपिटलाइज़ नहीं होगा बट आप देखो नीचे एक लाइन लिखा होगा बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा में ट्वेंटी परसेंट एट्रीब्यूटेबल होगा फैक्ट्री का तो फैक्ट्री बोल दिया तो कैपिटलाइज होगा मतलब ऊपर के इसका ट्वेंटी होगा, तो तो होगा एंट्री क्या होगा इन्वेंट्री टू डेप्रिशिएसेंट थर्टी होगा एंट्री क्या होगा इन्वेंट्री टू तो डेप्रीशिएशन यहां पर सैलरीज इसका भी ट्वेंटी परसेंट होगा सिक्स तो एंट्री क्या होगा इन्वेंट्री टू तो बैंक

बट इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो मैं दिखा दूंगा ऐसे बता तो दिया मैंने फिर इसका तो ट्वेंटी परसेंट मैंने हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड ट्रेन कैपिटलाइज करना कुल मिला के देखना फाइव थ्री नाइन थ्री जीरो कैपिटाइज होगा अब मैं एक बार आई का सोल्यूशन में लेके जाता हूँ आपको मैं सिंपल क्वेश्चन है एक बार देखा हुआ रहेगा ना एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एकदम सिंपल क्वेश्चन है बस एंट्री में आपको एक बार बता देता हूँ क्या आपको ध्यान में रखना है ये देखो इन्वेंट्री टू बैंक ही होगा हर जगह एंट्री यहां पर देखो इन्वेंट्री टू बैंक हो रहा है लेकिन जो भी डेप्रिशिएशन से रिलेटेड है वहां पर इन्वेंट्री टू कर यहां पर जैसे पीपीई लिखा हुआ है चलो अब इन्वेंट्री टू की जगह इन्वेंट्री टू पीपी लिख देना मैंने तो क्या किया डेप्रीशियन टू तो पीपी फिर इन्वेंट्री टू किया ना ये सीधा इन्वेंट्री टू पीपीई कर रहे समझ में तो आप इन्वेंट्री टू पीपीई भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने बोला था इन्वेंट्री रूपिए आप इन्वेंट्री टू पीपी लिख देना क्योंकि मैंने एंट्री को तोड़ा था अगर आपको मैं याद दिला दूं आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा था पहले डाप्रिसियन टू पीपी लिखा फिर पीएनएल टू ड्रीशिएशन की जगह मैंने बोला इन्वेंट्री टू एप्रीशिए होगा तो आपका डाप्रिसिएशन डॉप्रिसिएशन तो कट हो रहा है अल्टीमेटली इन्वेंट्री टू पीपी हो रहा है तो आपका जहां पर भी डॉप्रीसिएशन होगा वहां पर आप क्या करोगे इन्वेंट्री टू पीपी लिखोगे यहाँ पर बाकी जगह में इन्वेंट्री टू बैंक लिखोगे एक कंज्यूमेबल वाला था वो इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री होगा आराम से जनरल एंट्री मारोगे टोटल कॉस्ट फाइव थ्री नाइन थ्री जीरो बताओगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल 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 सिंपल क्वेश्चन समझ में आया बोलो या ना बोलो ये क्वेश्चन भी क्या हम आराम से कर लेंगे जी हाँ ये अब थर्टीन एक बार अभी नहीं कराता हूँ इतना इंपॉर्टेंट इतना अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है फोर्टीन भी कराऊंगा लास्ट में कराऊंगा कर पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो पहले कर लेते जो मुझे लगता है आने के चांसेस है वो क्वेश्चन हम फटाफट कर लेते हैं चलो तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इंडेक्स थर्टी सिक्स का ये भी बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है बस इसमें एक छोटी सी बात है जो एड ऑन की गई अदरवाइज ये बुक का ही क्वेश्चन है कौन सी छोटी सी बात आपको याद होगा एन अगर हम एन को मेजर करते हैं प्रोपोर्शन एंड नेट एसेट मैथड में तो गुडविल सिर्फ पेरेंट का गुडविल होता है तो जब हम इंपायरमेंट करते हैं गुडविल का तो हमें एनसीआई का भी गुडविल नोशनल एड करना होता है उसके बाद हम इंपेयरमेंट करते हैं वैसे ही कुछ यहां पर होने वाला है देखो आपने एट्टी परसेंट इंटरेस्ट खरीदा है वन नाइनटी मिलियन का पीसी दिया आपने मतलब ट्वेंटी परसेंट एनसीआई का और यहां पर इन्होंने बोल दिया कि नेट एसेट्स जो है वो टू मिलियन का नेट एसेट्स है आई एन मिलियन का ये देख लो आप और बता दिया कि एनसीआई को प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट मेथड में मेजर किया जाएगा यानी एनसीआई क्या होगा आई एन ए का ट्वेंटी परसेंट फोर्टी का एनसीए होगा तो आई एन ए टू हंड्रेड है तो मिलियन का, का है और इसी वन सिक्सटी मिलियन के लिए मैं पीसी दे रहा हूँ वन एंटी मतलब मेरा गुडविल आएगा थर्टी मिलियन का और ये गुडविल जो आएगा यह पेरेंट आएगा क्योंकि हम एनसीआई को पार्शियल गुडविल है ये पेरेंट का गुडविल है क्योंकि हम एनसीआई प्रोपोर्शनेट में मेजर कर रहे हैं जर्नल एंट्री क्या होगी आई एन ए डेबिट करेंगे एनसीआई को प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट किया पीसी दिखाया और आपका गुडविल आ गया थर्टी मिलियन का बात खत्म यहाँ पर अब बताओ क्या गुडविल एमोटाइज होता है नहीं होता है बट आपका आईएनए तो आगे जाके बदल सकता है तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर को इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है वो तीन सीजीयू में है तीन अलग अलग सीजियो उसका कैरिंग अमाउंट हमें दिया हुआ यहाँ पर कैरिंग अमाउंट भी दिया हुआ और रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ आप बोलो है आप सर ये तो वैल्यू न्यूज है तो मैंने आप यहाँ पर इन्होंने मैं पूरा क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया कि सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेबल नहीं है तो वैल्यू न्यूज को हम प्राथमिकता देते हैं और उसी को हम रिकवरेबल अमाउंट मान लेते हैं क्योंकि वैल्यू न्यूज है तो मतलब उसको ले सकते हो अगर सेलिंग प्राइस डिटमिनेबल नहीं है फेयर वैल्यू माइनस ऑफ सेल डिटर्मिनेबल नहीं है तो वैल्यू न्यूज को आप रिकवरेबल अमाउंट मान लोगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं इम्पेयरमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली हम क्या करेंगे हम इसमें पहले गुडविल ऐड करके फिर हम इंपेयरमेंट करते हैं बट प्रॉब्लम इज डेट कि क्वेश्चन ने बताया मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन ने मैं बोल दिया कि गुडविल को आप एलोकेट नहीं कर सकते रीजनेबली रीजनेबली यहाँ पर एलोकेशन गुडविल का पॉसिबल नहीं है देखो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मीनिंगफुली एलोकेट द गुडविल ऑन कॉन्सोलिडेशन तो ऐसा सिचुएशन हम हम टू स्टेप इम्पेयरमेंट करते हैं पहले तो हम क्या करेंगे बिना गुडविल को लेके इम्पेयरमेंट करेंगे और उसके बाद एक लार्जर का पूरा ऐसे कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे एक बार गुडविल को हटाओ ये गुडविल थर्टी मिलियन इसको हटा। इसको हटा के एक बार करते। हम बोलेंगे कि देखो, का, 170 का amount, value, news, score, कुछ नहीं है रिकवरेबल अमाउंट आपका ज्यादा है तो इंपायरमेंट तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर कैरिंग अमाउंट नाइनटी है तो इंपायरमेंट ट्वेंटी फोर का आया यहाँ पर कैरिंग अमाउंट हंड्रेड रिकवरेबल अमाउंट हंड्रेड फोर है तो यहाँ पर भी कोई इम्पायरमेंट नहीं होगा यानी इम्पायरमेंट हो रहा है सिर्फ यूनिट बी में और वो भी कितने का हो रहा है ट्वेंटी फोर का रहा है। तो जो ट्वेंटी फोर का इम्पायरमेंट हो रहा है वो आप बोलोगे किस में बांटेंगे इंटेंजिबल एसेट में पीपीई में करंट एसेट में बांटेंगे नहीं ये एलिजिबल एसेट नहीं है पे तो इंडस्ट टू लगता है ये तो बस सहारा दे रहा है इम्पायरमेंट करने के लिए तो इस पर एलोकेशन नहीं होगा तो आपका ट्वेंटी फोर जो एलोकेट होगा वो इंटेंजिबल और पीपीई में होगा प्रोराटा

है ना तो आपका इसका तो कैरिंग अमाउंट पुराना वाले रहेगा इसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट 66 आ जाएगा तो अब हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आप देखो कितना है 170 66 और 100 170 66 और 100 ये हमारा पूरा लार्जर सीयू का पूरा ऐसे होल कंपनी का आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 336 इसमें आप क्या करो गुडविल जोड़ दो और फिर इंपेयरमेंट करो पूरा होल का गुडविल हम इसमें जोड़ के करेंगे पूरा तो गुडविल कितना लेंगे आप बोलोगे सर गुडविल थर्टी ले लो यहीं फंस जाओगे मत करना गुडविल आपको पूरा लेना पड़ेगा एनसीआई का मिला के तो अगर आपका एट्टी परसेंट का थर्टी है तो आप यहाँ पर बताओ पूरा का पूरा ऐसे होल का कितना होगा तो यहां पर हम ये कैसे निकालेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे आप देख लो यहाँ पर थर्टी अगर एट्टी है थर्टी डिवाइड बाई एटी कर लो थर्टी आएगा आपका मतलब 80 परसेंट के लिए गुडविल 30 है तो ट्वेंटी के लिए हमारा बात है 7.5 होगा हमारा तो 7.5 हमारा नॉशनल गुडविल है जो हमने निकाला तो ये हमारा जबकि गुडविल रिकॉर्ड नहीं है बट हम एक बार इसे इंक्लूड कर रहे हैं इंपायरमेंट करने के लिए तो टोटल गुडविल थ्री थर्टी सेवन पॉइंट फाइव हुआ तो अब आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ आई एन एंड गुडविल हो गया इतने का थ्री सेवन थ्री पॉइंट फाइव का आ रहा है हमारा यस और हमें क्वेश्चन है पूरा पूरा का पूरा ऐसे होल सिंगल सीजीयू का पूरा कंपनी का थ्री फिफ्टी मिलियन हमें रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ यहाँ पर थ्री फिफ्टी का तो इंपायरेंट लॉस कितना हुआ ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव का हमारा इंपायरमेंट लॉस हुआ तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव का जो हमारा इंपायरमेंट लॉस हुआ है ये इंपायरमेंट लॉस अब क्या होगा ये पूरा इंपायरमेंट लॉस कौन खपत कर लेगा सर पूरा का पूरा गुडविल खपत कर लेगा क्योंकि गुडविल जो है वो ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव से ज्यादा है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव का टोटल गुडविल इंक्लूडिंग एनसीआई गुडविल और इंपायरमेंट ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव ही हो रहा है तो ये इंपायरमेंट एंटायरली हम गुडविल में एलोकेट करेंगे एसेट इंपायर नहीं होने वाला और ये तो ऐसे भी नहीं होता वो ऑलरेडी आप इंपायर कर चुके हो तो ये 23.5 का जो गुडविल इम्पायर होगा ये आप पेरेंट के पेरेंट में एलोकेट करोगे 80 परसेंट एनसीआई में एलोकेट करोगे 20 परसेंट तो पेरेंट को एलोकेट होगा ट्वेंटी का एट्टी परसेंट एटीन एनसीआई को एलोकेट होगा फोर तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात मेरी आप समझ लो एटीन जो हमने पेरेंट को एलोकेट किया है और एनसीआई को फोर पॉइंट सेवन एलोकेट किया है ये तो आपका रिकॉग्नाइज था ही नहीं तो ये तो आएगा ही नहीं ये तो नॉशनल था हमने इम्पायरमेंट करने के लिए पता किया था एनसीआई का गुडविल जब रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ तो उसका इम्पायरमेंट भी कहाँ से रिकॉग्नाइज होगा सिर्फ पेरेंट का ये आपका इंपायर होगा एटीन पॉइंट एट पेरेंट का गुडविल हमने रिकॉग्नाइज करके रखा है थर्टी उसमें से एटीन पॉइंट एट इम्पायर होगा इलेवन पॉइंट टू का हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल होगा बस बात खत्म बताओ क्या समझ में आया इलेवन पॉइंट टू का यानी फाइनली हमारा क्या होगा इंपायरमेंट लॉस के बाद हमारा गुडविल का रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगा हमारा तो अल्टीमेटली हमारा अब आई एन ए आगे कितना रहेगा आई एन ए हमारा थ्री थर्टी सिक्स का रहेगा और गुडविल हमारा रहेगा इलेवन पॉइंट टू का तो अल्टीमेटली टोटल मिला दे तो थ्री फोर्टी सेवन पॉइंट टू टोटल रहेगा आपका उसकी जरूरत नहीं हमें क्वेश्चन ने पूछा भी ये था ट्रीटमेंट बताओ इम्पायरमेंट ऑफ गुडविल का तो इम्पायरमेंट ऑफ गुडविल का हम बता देंगे इम्पायरमेंट टू गुडविल हम एटीन पॉइंट एट दिखा देंगे और रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल हमारा इलेवन पॉइंट टू आ जाएगा तो आप इस प्रकार एक जर्नल बनाना ये लेजर टेबल बना देना इसको भी अगर आप कॉपी में उतार के बनाओगे के, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट निकाल के इंपायरमेंट लॉस फिर एलोकेट करके दिखा देना बस खत्म इसमें तो कुछ है ही नहीं तो ये क्वेश्चन भी बताओ क्या आप कर लोगे आराम से क्वेश्चन फिफ्टी हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में जाइए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर में एकदम फटाफट करा दूंगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और चुटकियों में होगा ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा दूँ ऐसा इंडेस नाइनटीन में हमने क्वेश्चन कर रखा हुआ पर फिर भी फटाफट से मैं आपको बता दूंगा तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ क्या करना मैं आपको साथ साथ ही करवा दूंगा हम पीवीडी पीवीडीबो का एक लेजर बनाएंगे प्लान एसेट का एक लेजर बनाएंगे आपको याद होगा पीवीडीबीओ में हम ओपनिंग ऑब्लिगेशन लेते हैं फिर हम प्लस करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट फिर हम प्लस करते करेंट सर्विस कॉस्ट अगर कोई पास्ट सर्विस कॉस्ट है तो वो भी हम प्लस करते हैं ये हमें पता है अगर कोई बेनिफिट्स दिया तो बेनिफिट्स हमारा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई रिटेंडेंसी अगर आपका है कोई रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा कोई ऑब्लीगेशन आया तो वो भी प्लस होगा आपका यहां पर प्लान एसेट्स में ओपनिंग प्लान एसेट्स हम लेते हैं इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम प्लस होता है हमारा है ना और फिर कंट्रीब्यूशन कुछ करेंगे तो वो प्लस होगा हमारा बेनिफिट्स देंगे तो बेनिफिट्स हमारा माइनस हो जाएगा और इसके अलावा भी हम क्वेश्चन में आगे देख लेंगे तो अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है डिफाइन रिटायरमेंट बेनिफिट और क्वेश्चन भी सोल्यूशन भी ऐसे नहीं इस प्रकार किया हुआ है ऑल्टरनेटिव में तो आराम से इस प्रकार सोल्यूशन कर सकते हो एग्जाम कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप देखो यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ फॉर फिफ्टीन करोड़ ओपनिंग बता दिया और प्लान एसेट्स बता दिया थर्टीन करोड़ का तो हम यहाँ पर क्या करेंगे लैक्स में बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन भी लैक्स में बता रहा है तो फिफ्टीड लैक्स हो जाएगा ये 300 लैक्स हो जाएगा तो आप ओपनिंग नेट डिफाइन बेनिफिट लाइब्रेट मुझे बता सकते हो कितना होगा टू हंड होगा क्योंकि ओपनिंग नेट डिफाइन बेनिफिट हम कैसे दिखाते asset, तो 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 हैं लाइब्रेट्टीड माइनस थर्टी हंड्रेड तो टू हंड्रेड का हम ओपनिंग नेट डिफाइन बेनिफिट लाइब्रेट हम दिखा सकते हैं फिर अब आगे क्या हुआ आगे फाइव परसेंट का मार्केट रेट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है वही डिस्काउंटेड हम प्रायोरिटी देते हैं तो फिफ्टीड का फाइव परसेंट कितना होगा? 75? ये आपका कहाँ जाएगा पी के एक्स्ट्राक्ट में जाएगा और इधर थर्टीन रेड का फाइव परसेंट कितना होगा सिक्सटी फाइव ये भी आपका पी के एक्स्ट्राक्ट में जाएगा तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पी भी मैं साथ के साथ बना रहा हूँ ठीक है आगे मैं दिखा दूंगा मैंने सोल्यूशन कर रखा हुआ वो, वो मैं दिखा दूंगा आपको बट एक बार मैं रफ में आपको बताते जाता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पी में इंटरेस्ट का खर्चा हम नेट पे दिखाएंगे सेवेंटी फाइव माइनस सिक्सटी फाइव ये टेन का दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी के अंदर इन दोनों का नेट करके नेट खर्चा हमारा

यहाँ से भी माइनस होगा क्योंकि तो बेनिफिट दोनों जगह माइनस करता है ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना करंट सर्विस कॉस्ट 155 लाख का 155 लाख का करंट सर्विस कॉस्ट ये भी पीएनएल में जाएगा ये भी हमारा पीएनएल में जाएगा करंट सर्विस कॉस्ट ये देखो मैंने साथ-साथ में आपको बता रहा हूं फिर इसके बाद आगे क्या बोला कि आपने एमएंड किया प्लान को और उसकी वजह से आपका ऑब्लिगेशन है 37.5 लाख का यानी ये पांच सर्विस कॉस्ट है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव हमारा आएगा किस में पीएनएल में पांच सर्विस कॉस्ट भी पीएनएल में जाएगा हमारा ये भी मैंने आपको बता दिया फिर नीचे क्वेश्चन आगे क्या बोला बोला कि कुछ रिडंडेंसी किसी आपने कोई रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह किया जिसके वजह से आपका रिडंडेंसी की वजह से टू करोड़ टू हंड्रेड लाख का आपका खर्चा आ रहा है तो टू हंड्रेड लाख का जो हमारा खर्चा आ रहा है वो टू हंड्रेड लाख का खर्चा भी हम रिडंडेंसी के नाम का यहां पर दिखा देंगे और इसको सेटलमेंट करने के लिए हम पैसा कितना दे रहे पता वन एटी सेवन पॉइंट फाइव लाख दे रहे हैं लाख हम सेटलमेंट करने के लिए पैसा दे रहे हैं वो हमारा प्लान एसेट हम देंगे का। तो आप देखो हमारा फायदा कितना हो रहा है देखो हमारा फायदा हो रहा है वो पीएनएल में जाएगा फायदा क्रेडिट होगा टू हंड्रेड फायदा नहीं घाटा ये फायदा हो रहा है टू हंड्रेड लाख से हमारा एक तो ऑब्लिगेशन कम होगा हम हमारा कुछ कुछ हम आ, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं जिसके वजह से हमने लाइन ऑफ बिजनेस को मान लो बंद कर दिया और हमने पुराने ऑब्लिगेशन का यानी एक प्रकार का कटेलमेंट है तो कटेलमेंट करने की वजह से हमारा लाइबिलिटी टू हंड्रेड लाख से कम होगा ये देख लो आप यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने स्पीड में मिस कर दिया था रिड्यूस करेगा आपका ये जो रिडेंडेंसी का इम्पैक्ट है ना ये आपका पीवीडीबीओ को दो दो करोड़ से टू हंड्रेड लाख से कम करेगा तो ध्यान रखना ये माइनस पे जाएगा लेकिन हमें पैसे कितने देने पड़े सेटलमेंट करने के लिए वन एटी पैसे देने पड़े बैंक से इतना

और हमारा आज का क्लोजिंग पीवीडी भी हो ये है इतने का और यहां पर क्लोजिंग प्लान एसेट्स ये तो बैलेंसिंग फिगर हमारा जो आएगा वो एक्चुअल गेन या लॉस होगा तो बैलेंसिंग फिगर हमारा इधर तो नुकसान आ रहा था सर ये एक्चुअल लॉस है यस ये आपका एक्चुअल लॉस है लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है और ये एसेट को बढ़ा रहा है मतलब एक्चुअल गेन है तो आप देखिए ये ओसीआई में जाता है हमें पता है तो अब देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको जब बताऊंगा तो आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा देखिए करेंट सर्विस कॉस्ट गया पांच सर्विस कॉस्ट गया गेन ऑन सेटलमेंट याद है नेट पे दिखाएंगे हम 200 लाख का लाइबिलिटी कम हुआ लेकिन पेमेंट इतना करना पड़ा फायदा हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट टेन का ये सब लिखा हुआ मैंने टेन वन फिफ्टी सब लिखा हुआ देखो टेन वन फिफ्टी और ये सेवन ट्वेल्व का फायदा ये सारा चीज हमारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनल में आ गया ओसीआई भी इसके नीचे होता है ओसीआई आपका कितने का होगा नेट पे टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव से हमारा लॉस हो रहा है और वन फिफ्टी टू पॉइंट फाइव का फायदा हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे दोनों का डिफरेंस कितना एटी फाइव का आपका नेट पे हमारा नुकसान हो रहा है नेट पे तो ओसीआई पे नेट आएगा हमारा नेट पे हमारा लॉस आ रहा है ओ सी आई का कितना एटी फाइव का ये हमने दिखा दिया अब एक्सट्राक्ट ऑफ बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे सिंपल सी बात है हम वहां तो नेट पे दिखाते हैं तो नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी कितना होगा पीवी डीबीओ सेवनटीन रेट का है

और गेन ऑन सेटलमेंट आया तो आपका प्लस में आ जाएगा और आपका फिर नेट नेट आपने बता दिया ओ भी आपने बता दिया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा हुआ है बताओ समझ में आया या नहीं आया स्क्रीन ब्लर नहीं होगा सी ए कम्यूनिटी जी आपका इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो बताओ अभी तक समझ में आया या नहीं आया अगर समझ में आया तो प्लीज़ जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिएगा ठीक है अगर समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है डिसलाइक कर दीजिएगा बताओ समझ में आया या नहीं आया मैं बहुत एफर्ट दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अब देखो वन वन फाइव का क्वेश्चन कराऊंगा इंडेस फोर्टी वन का भी क्वेश्चन है एक इंडेस थर्टी सेवन का ये क्वेश्चन है रीस्ट्रक्चरिंग वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाइनटीन का नहीं थर्टी सेवन का क्वेश्चन है फिर ऊपर जो इंडेस ट्वेल्व का वो दो चार क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे टेंशन की कोई बात नहीं है सारे के सारे हो जाएंगे समझ में आ रहा है ना तो मेरे ख्याल से हम अभी साढ़े दस बजाओ साढ़े नौ एक घंटे में हमने बहुत कुछ कर लिया खुद से करते तो इतना जल्दी होता ही नहीं मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं बहुत ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ये कराने से पहले मैं सोच रहा हूँ ये भी कराऊंगा पर इससे पहले मैं आपको करवाता हूँ ये वाला एट्रेस थर्टी का क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले करा और बाकी भी करवा दूंगा मैं देखो फर्स्ट जनवरी टू को डायरेक्टर्स ने टर्मिनेट करना चाहा एक डिवीजन को एक लाइन ऑफ बिजनेस को आप टर्मिनेट कर रहे हो मतलब आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो जब भी हम टर्मिनेट करना चाहते हैं हमें डिसीज़न को पब्लिकली अनाउंस करना पड़ता है जिससे हमारा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिकेशन आता है मतलब जो भी उससे अफेक्टेड होंगे ना उनकी आंखों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना होता है इंडेस थर्टी मैंने स्मॉल इंडस मैराथन में भी इसका ज्ञान दिया था मैंने वहां तभी हम उसे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मानते हैं और जहां पर आपका रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से कोई भी ऐसा कॉस्ट आपका उत्पन्न हुआ है जो कि अनबल है वो पैसा अब आपको भरना ही पड़ेगा और वो ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ ऑफ लाइन बिजनेस की वजह से आपको पैसा भरना पड़ रहा है जैसे ऑनरेस कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस हो जाएंगे है ना तो जो भी खर्चे हमारे लगेंगे जो जिसे हम एवॉइड नहीं कर सकते वो हमारा खर्चे का प्रोविजन बनता है जब हम रीस्ट्रक्चरिंग uh, कर दे तो रिस्ट्रक्चरिंग तो का हम यहाँ पर क्या करेंगे प्रोविजन बनाएंगे यहां पर हम तो अब देखिए आपने क्या किया थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड टू को आपने पब्लिकली अनाउंस किया है मतलब यही डेट पे रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनेगा और मैंने इंडस थर्टी सेवन में क्वेश्चन भी कराया था इससे रिलेटेड है ना और वैसा ही क्वेश्चन है थोड़ा सा कुछ और डेटा दिया हुआ हम देख लेंगे आराम से अब देखो थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड टू को रीस्ट्रक्चरिंग करने की वजह से हमारा रिडंडेंसी कॉस्ट आया जो कि अन कॉस्ट है हमारा टू मिलियन का एस्टीमेट हुआ है और आपका रिट्रेन करने का खर्चा एट लैक भी है तो मैंने आपको बताया था स्टाफ ट्रेनिंग रीट्रेनिंग वगैरह का खर्चा जब आप रियल में रीट्रेनिंग करोगे तब पी में जाता है ये आपका ऑनगोइंग एक्टिविटी है है ना ये आपका कभी भी प्रोविजन इसका नहीं बनेगा प्रोविजन उसी चीज का बनेगा जिसे हम एवॉइड नहीं कर सकते रिट्रेनिंग मत दो आप रिट्रेनिंग को आप अवॉइड कर सकते हो इसका प्रोविजन नहीं बनेगा बट हाँ बाकी रिटेंडेंसी कॉस्ट टू मिलियन जो कि हमें देना पड़ेगा मतलब ये ऐसी चीजें एम्प्लॉय को निकाला जाएगा तो बदले में हमें उनको कंपनसेशन देना है तो आपका लेटेस्ट एस्टीमेट भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया वन पॉइंट नाइन मिलियन का तो लेटेस्ट एस्टीमेट लेंगे मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या पता इंडेस टेन को भी डाला इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड यहाँ पर हम जिस दिन मान लीजिए थर्टी जनवरी को हमने प्रोविजन बनाया बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होता है मई जून जुलाई में तो जब अप्रूव होगा उससे पहले अगर आपको रिवाइज एस्टीमेट मिल जाता है तो वो वाला हम लेते हैं

मिलियन से एसेट की वैल्यू गिरी है तो ये तो इम्पेरमेंट नाम से पी में जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन इम्पायरमेंट के नाम से पी में जाएगा आपका है ना जितना इम्पेयरमेंट हुआ फिर आगे क्या बोला आपने कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा हुआ कि गुड्स को सप्लाई कस्टमर को गुड्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा हुआ प्री डिटर्मिन प्राइस में अब जबकि आप यूनिट को तो बंद कर रहे हो और उसकी वजह से आपको सिक्स लाख रुपए कस्टमर को कंपनसेशन देना पड़ेगा तो ये भी हमारे लिए अनएवर्डेबल है हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते तो हमें इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि अन एवोर्डेबल ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना अन एवोर्डेबल है इसका हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा और थर्टी फर्स्ट मे का इन्होंने बता दिया एस्टिमेट फाइव लाख फिफ्टी था हम मान के चलते थर्टी फर्स्ट मे के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होंगे और एज पर इंडेस वन इंडस टेन को ध्यान में रखते हुए हम प्रोविजन बनाएंगे कितने का

करके नेक्स्ट थ्री मंथ्स में हम ऑपरेटिंग लॉस करोगे ये तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है मत करो ऑपरेट लॉस ही नहीं होगा आपका तो ये तो अवॉइड किया जा सकता है आप ऑपरेट ही मत करो नुकसान ही नहीं होगा आपका तो ये अन कॉस्ट नहीं है ये आपका इसका प्रोविजन नहीं बनेगा ये जब आप रियल में आपका लॉस होगा तब आप पीनएल में दिखाओ अभी इसका कोई प्रोविजन नहीं बनाओगे आप अब आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसको स्टार्ट देना तो मैंने पॉइंट नंबर फोर तो बोल दिया प्रोविजन नहीं बनेगा पॉइंट नंबर टू में इंपायरमेंट होगा और पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर थ्री का प्रोविजन हमने बना दिया बस बचा हुआ एक ही पॉइंट पॉइंट नंबर फाइव स्टार्ट देना ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसको स्टार्ट दीजिएगा देखिए डिवीजन ऑपरेट हो रहा फ्रॉम ए होल्ड है ना तो आपका जो डिवीजन है आप जिसे ऑपरेट कर रहे हो उसके लिए जो बिल्डिंग आपको चाहिए वो बिल्डिंग लीज पे ली हुई है और ये लीज नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग वर्ड नहीं आना था ऑपरेटिंग होता ही नहीं इंडस के हिसाब से नॉन कैंसिलेबल लीज आप समझ लो पांच साल का नॉन कैंसिलेबल लीज है यानी पांच साल तक आपको रेंट देना ही पड़ेगा एनुअल रेंटल वन पॉइंट फाइव मिलियन करके पाँच साल तक लगे यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर क्या ये अन एवोर्डेबल कॉस्ट है यस हम तो यूनिट को बंद कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ये बिल्डिंग काम का नहीं है बट जबकि हम लीज को कैंसिल नहीं कर सकते आने वाले पाँच साल तक हमें वन पॉइंट फाइव मिलियन एवरी ईयर देना पड़ेगा पाँच साल तक और यहाँ पर डिस्काउंट रेड फाइव परसेंट दिया वन पॉइंट फाइव मिलियन इंटू पी वी आई एफ है जो फाइव परसेंट है फाइव ईयरस करके हम प्रेजेंट वैल्यू में पता करेंगे जो फ्यूचर का हमारा कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनबल कॉस्ट कितना है तो पांच साल का आपका पीवी फैक्टर दिया हुआ है फैक्टर है पांच साल का देखो वन टू फाइव का तो मुझे ये पता चला कि मेरा मिलियन हर साल खर्चा लगेगा पांच साल तक और पांचों साल का मिला की प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है सिक्स पॉइंट फोर एट मिलियन का आ रहा है तो सिक्स पॉइंट फोर एट मिलियन का मुझे क्या करना चाहिए प्रोविजन बनाना चाहिए चलो ठीक है अब यहाँ पर आगे कुछ और भी बोला है इन्होंने आगे ये बोला है कि जोहनसन जो है ना ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये आने वाला मतलब पहली बात तो अब ये देख लो अभी हम है कहां पर अभी हम थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू में जहां तक मुझे याद है एक बार रुक जाओ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड यस थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड टू यानी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू पकड़ लो जिस दिन हम प्रोविजन बनाएंगे वहां से लेके पांच साल तक आपका नॉन कैंसेलेबल लीज था जिसका प्रोविजन हमारा इतना बनना चाहिए अब थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू में क्वेश्चन बताया कि हम इसे सबलीज कर सकते हैं पहले तो क्वेश्चन ने बताया कि ये जो लैंडलॉर्ड है ये बड़ा ज़िद्दी इंसान है और ये डिस्कस नहीं करना चाहता अर्ली टर्मिनेशन के लिए ये कुछ कंपनसेशन वगैरह के लिए मना कर दिया ये बोला तू रग बिल्डिंग और तू मुझे रेंटल ही दे ये बड़ा ज़िद्दी और बड़ा बदमाश आदमी है जो लैंडलॉर्ड है ये है ना आपके भी कुछ कुछ लैंडलॉर्ड होंगे जो घटिया होते हैं है ना तो ये लैंडलॉर्ड घटिया लैंडलॉर्ड है बोला हम कैंसिल नहीं करेंगे तो अब हम देखेंगे चलो ठीक है इतना का तो हमारा खर्चा लगेगा प्रोविजन बनेगा अब हमें बेनिफिट क्या मिलेगा अगर हम सब्लिस पे दे दें तो सब्लिस पे देने पर क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चन ने बोला यस आपको पहला फाइनेंशियल ईयर पे यानी फर्स्ट ईयर एंड में टू थाउजेंड टू से टू थाउजेंड थ्री का थ्री लाख रुपीस मिलेगा आपको लेकिन आपको अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट मार्च तक में मिलेगा तो हम ये मान के चल रहे ये थ्री लाख आपको ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री में मिलेगा ये मान के चल रहे मतलब हम मान के चल रहे कि आपको मंथली मंथली नहीं मिलेगा हम मान के चल रहे फाइनेंशियल ईयर एंड में मिलेगा तो फर्स्ट ईयर एंड में हमें मिलेगा कितना थ्री लाख रुपीज हम के चल रहे और आगे जाके आगे जाके क्वेश्चन ने क्या बोला कि 2004 31 थर्टी फर्स्ट मैच टू थाउजेंड 31 थर्टी फर्स्ट मार्ट टू थाउजेंड इन नेक्स्ट फोर फाइव लाख रुपीस तो से लेके फिफ्थ ईयर तक आपको कितना मिलेगा फाइव लाख एवरी ईयर आपको तो इन प्रेजेंट में खींचेंगे पर तो थ्री लाख फर्स्ट ईयर में मिलेगा तो थ्री लाख को तो पॉइंट नाइन फाइव से खींच लेंगे ईयर में मिलेगा, है ना? और ये आपका फाइव लाख आपको चार साल तक मिलेगा सेकंड ईयर से फिफ्थ ईयर तक तो हमें पर फर्स्ट से फिफ्थ दिया, दिया हुआ है तो ये काम करते जो से दिया हुआ उसमें से फर्स्ट ईयर का कर देते पांच साल का और फर्स्ट ईयर का आपका है तो सेकेंड तो से लेके फिफ्थ ईयर तक का एनविटी आ जाएगा तो पॉइंट थ्री सेवन आएगा तो कहने का मतलब यह है कि जो थ्री लाख मिलेगा फर्स्ट ईयर में उसको प्रेजेंट वैल्यू में खींचा और जो फाइव लाख सेकेंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में मिलेगा उसको थ्री पॉइंट थ्री सेवन से प्रेजेंट वैल्यू में खींचा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट आप देखना वन पॉइंट नाइन सेवन आएगा तो यानी सिक्स पॉइंट फोर एट आपका प्रोविजन बनना चाहिए पर तो हमें मिल जाएगा बेनिफिट तो आपका नेट पे प्रोविजन बनेगा फोर पॉइंट फाइव वन का तो फोर पॉइंट फाइव वन का ही हम नेट पे क्या करेंगे प्रोविजन बनाएंगे मतलब हम क्या करेंगे जो कॉस्ट लगेगा उतने का प्रोविजन में जितना फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो माइनस कर देंगे ध्यान रहे यहां पर गलती मत करना पॉइंट थ्री आप समझोगे यानी थ्री लाख पॉइंट थ्री मिलियन आप समझोगे कि आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिले और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पॉइंट फाइव मिलेगा उसका पी फैक्टर चार साल का थ्री पॉइंट थ्री सेवन ले लिया कैसे निकाला फोर पॉइंट थ्री टू माइनस पॉइंट नाइन फाइव फर्स्ट ईयर वाला माइनस कर दिया एंटायर पांच साल का मैं आपका निकल के आ गया बोलो ये समझ में आया तो फोर पॉइंट फाइव वन यानी आपका पी एन एल में ये सारे प्रोविजन और इंपायरमेंट लॉस चार्ज होंगे आप देख लो इसका टोटल करके बताना तो बता दीजिएगा एग्जाम में बस बात खत्म तो बोलो क्या ये क्वेश्चन आपको अब इजी लग रहा है क्या बोलो एग्जाम में अगर आएगा इंडस थर्टी सेवन वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे हाई ना अब इंडस फोर्टी वन वाला भी क्वेश्चन नंबर एटीन फटाफट से करा देता हूँ बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ आ गया सर एक बार फिर से देख लेंगे हाँ अगर कुछ भी दिक्कत एक बार फिर से देख लीजिएगा पीडीएफ में शेयर कर दूंगा समझ में सिंपल है, कुछ नहीं है एकदम सिंपल है फ्यूचर में जो आपको बेनिफिट मिलेगा उतना माइनस हो जाएगा आपका जितना प्रोविजन बन रहा है उसमें से ठीक है तो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा चलिए अभी तक सब कुछ परफेक्टली जा रहा है एम टी पी में कुछ खास नए क्वेश्चन है ही नहीं तो करवाने की मेरे ख्याल से कुछ खास आवश्यकता नहीं है आर टीपी के कुछ नए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चलिए इंडस फोर्टी वन का एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको यहाँ पर बोला कंपनी के पास एक फार्म है जिसमें टू लाख कोकोनट फार्म है हम इसे मानते ही बियर प्लांट नहीं हम एज्यूम करते कि ये आपका क्या है बायोलॉजिकल एसेट अगर आप बोलोगे नहीं सर ये बियर प्लांट है तो जो भी एक्स एक्सवाइटेड आप अगर आप बोलोगे तो भी हम क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है हमें तो वैल्यूएशन करने को बोला क्वेश्चन तो हम उस चीज का झगड़ा नहीं करेंगे हमें वैल्यूएशन करना है कोकोनट पाम का यानी कोकोनट पाम का फेयर वैल्यू निकालने का बोला थर्टी फर्स्ट थर्टी सप्तम्बर टू थाउजेंड फाइव को जो टू लाख कोकोनट पाम है उसका हमें फेयर वैल्यू निकालना है ये समझ लो एक प्रकार का पेड़ होता है कोकोनट पाम यानी कोकोनट ट्री होता आपका। तो ट्री है आपका तो कोकोनट ट्री आपका टू लाख तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोला फेयर वैल्यू ऑफ ईच कोकोनट पाम इज डिराइव बेस्ड ऑन द एवरेज रियलाइजेबल प्राइस ऑफ रुपीज थर्टी पर नट तो एक नट का फेयर वैल्यू बोल रहा है थर्टी रुपीज है और एक कोकोनट पार्मी नट्स ग्रो करता है पर एन एम ईच कोकोनट पाम कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर एस लॉन्ग एस एट्टी ईयर एंड द करेंट आर ओनली ट्वेंटी ईयर ओल्ड यानी आने वाले और सिक्सटी ईयर तक ये जनरेट करेंगे पता है इन्होंने वैल्यूएशन देखो करने का अलग अलग प्रकार होता है हम कैश फ्लो अप्रोच लगाते हैं मार्केट वैल्यू अप्रोच लगाते हैं बहुत सारे अप्रोच से हम वैल्यूशन करते हैं पर क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि जो वैल्यूएशन आप करोगे वो कैसे करोगे क्वेश्चन ने बोला देखो आप रेवेन्यू का फाइव टाइम्स लेके वैल्यूएशन एनुअल रेवेन्यू का फाइव टाइम्स ले लेना तो आप यहाँ पर समझिए हमारा एनुअल रेवेन्यू क्या होगा एक कोकोनट पाम की अगर मैं बात करूँ एक कोकोनट पाम पार्मी नट्स साल भर में ग्रो करता है पर परी नट्स एक कोकोनट पाम ग्रो करता है और आपका एक कोकोनट पाम में रेवेन्यू कितना आ रहा है थर्टी आ रहा है यानी आपका एक कोकोनट पाम पार्मी नट्स ग्रो करता है उसकी रेवेन्यू आएगी थर्टी रुपीज करके ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज करके आएगी और इसका ही फाइव टाइम्स जो है इसका फाइव टाइम्स हमारा क्या होगा उसका वैल्यूएशन होगा यानी देखा जाए तो ट्वेल्व थाउजेंड आ रहा है तो आप बोलोगे सिंपल सी बात एक काम करो जो ट्वेल्व थाउजेंड आपका आ रहा है, एक पाम का, पाम है इंटू कर दो बस बात सही है एकदम सही बोल रहे हो लेकिन रुको यहाँ पर कुछ कहानी और दिया हुआ है यहाँ पर कहानी में क्या लिखा हुआ आगे कि ड्यूरिंग अगस्त 2005 थाउजेंड फाइव होटल्स एसोसिएशन और उसकी टीम ने कॉरपोरेट ऑफिस को विजिट किया और डील कुछ किया गया यहाँ पर डील ये किया गया कि जहाँ पर कोकोनट जो है ना वो ऊटी होटल्स को दिया जाएगा सप्लाई किया जाएगा और कितना दिया जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड कोकोनट पाम दिया जाएगा और फिफ्टीन रुपीज करके दिया जाएगा ओनली फिफ्टीन रुपीज करके दिया जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड का डील किया हुआ है तो और यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये एंटिटी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका फिफ्टीन थाउजेंड ही कोकोनट पाम जो है जो फिफ्टीन रुपीज करके आपको देना पड़ेगा कि आपका चलो मार्केट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है जो भी है तो यहाँ पर हम मेरी बात ध्यान से सुनो हमें अल्टीमेटली सोल्यूशन में जाना है सोल्यूशन हम एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करें हम ये बोलेंगे कि जबकि फिफ्टीन थाउजेंड कोकोनट पाम में हमने फिफ्टीन रुपीज करके ऑलरेडी डील किया हुआ है तो हम इसका वैल्यूशन कमिटमेंट है तो इसका फेयर वैल्यूशन हम थर्टी रुपीज करके नहीं कर सकते इसका फेयर वैल्यूशन हम फिफ्टीन रुपीज करके करेंगे इन कहने का मतलब ये है हमारा फिफ्टीन थाउजेंड जो पाम है वो एट्टी नट्स ग्रो करेगा और इसका वैल्यूएशन हम फिफ्टीन रुपीज करके करेंगे एक का फेयर वैल्यू और इसका फाइव टाइम्स में वैल्यूएशन होगा और बाकी वन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड जो इसमें तो आपका कोई फर्म कमिटमेंट है नहीं तो बाकी का एट्टी नट्स पे थर्टी रुपीज करके फाइव टाइम्स का वैल्यूएशन किया जाएगा तो इस प्रकार आपका जो फिफ्टीन थाउजेंड पाम है उसका वैल्यू नाइनड्रेड लैक्स आएगा जो वन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड पाम है उसका वैल्यू इतना आएगा देखो फर्क बस इतना ही है हमने यहाँ पर फिफ्टीन थाउजेंड में फिफ्टीन रुपीज लिया क्योंकि फर्म का कमिटमेंट है और बाकी रिमेनिंग में थर्टी रुपीज करके लिए बाकी सिंपल है टोटल पाम ले लिया एक पाम एटी नट्स ग्रो करता है वो ले लिया और इसमें रेवेन्यू फिफ्टीन करके मिलेगा इसमें थर्टी करके मिलेगा और रेवेन्यू का फाइव टाइम्स वैल्यूएशन होगा इस प्रकार हमने टू थर्टी वन क्रोड का वैल्यूएशन कर दिया टू थर्टी वन लाख यानी टू थर्टी वन क्रोड का वैल्यूएशन हो गया बस बात खत्म इसी के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर एटीन इतना ही सिंपल रखना एग्जाम के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए आराम से कर लोगे जितना फर्म कमिटमेंट है उसमें फिफ्टीन रुपीज करके वैल्यूएशन होगा फिफ्टीन थाउजेंड पार्प में बाकी बोलने फाइव थाउजेंड पार्प में इतना थर्टी रुपीज करके वैल्यूएशन होगा बाकी कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन

फर्स्ट छः महीना यानी अक्टूबर के बाद आगे करें यानी अप्रैल से लेके मान लो सितंबर तक आपने नाइन्टी फाइव चार्जर बेचा गया है और एंटिटी एक्स ने एस्टीमेट किया कि थाउजेंड चार्जर क्रॉस नहीं करेगा अगर हम यहाँ पर एस्टीमेशन के हिसाब से जो भी आपका वेरिएबल कंसिड्रेशन वगैरह कुछ रहता है वो एस्टिमेशन के बेसिस में हम चेक करते हैं कंस्टेंट नहीं है या नहीं है तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है हमें लग रहा है कि वो थाउजेंड से ज़्यादा चार्जर्स लेगा ही नहीं अगर हमें लग रहा है थाउजेंड से ज़्यादा चार्जेस लेगा नहीं मतलब जो हंड्रेड रुपीज करके वो हमें पैसे दे रहा हैं नाइन्टी फाइव चार्जर उसने खरीदा है तो नाइन्टी फाइव चार्जर में जो हंड्रेड रुपीज करके हमें पैसे दे रहा है पूरा का पूरा जो बैंक में पैसा आएगा हम रेवेन्यू दिखा देंगे हम बोलेंगे क्योंकि कुछ भी रिफंड होगा नहीं हम बोलेंगे थाउजेंड चार्जर से कम ही लेगा वो और हमारा पूरा का पूरा हंड्रेड रुपीज से हम रेवेन्यू दिखा देंगे बट पता है क्या हुआ अक्टूबर टू थाउजेंड वन में इन नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट छह महीने में पता कहानी पलट गया नेक्स्ट छह महीने में आने वाले छह महीने में छह महीने तक भी नहीं इन्होंने क्या बोला एक बार रुक जाओ लेकेस्टमर नेार्जर एक्सीड कर जाएगा तो अब मुद्दा आगे यहां पर अब हमें रेट्रोस्पेक्टिवली नाइन्टी फाइव रुपीज करके पकड़ना पड़ेगा तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो अब कस्टमर जो है कस्टमर चलो ठीक है अभी भी वो हंड्रेड रुपीज करके हमें पैसा दे देगा कस्टमर अभी बैंक में अभी तक तो उसने थाउजेंड का लिमिट क्रॉस नहीं किया तो मैं एज्यूम कर रहे कस्टमर सिक्स हंड्रेड चार्जेस अभी हंड्रेड रुपीज करके पेमेंट कर देगा लेकिन जब बाद में फ्यूचर में जब वो थाउजेंड चार्जेस क्रॉस हो जाएगा तो वो एडजस्टमेंट करेगा टेन रुपीज का रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करने के लिए तो हम रेवेन्यू कितना दिखाएंगे हम बोलेंगे देखो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस लगाएंगे हम बोलेंगे कि सिक्स नाइनटी फाइव चार्जर टोटल तो अभी तक नाइनटी फाइव पहले बेचा था अभी सिक्स हंड्रेड बेचा अब इस पर हम रेवेन्यू नाइन्टी रुपीज करके ही लिखा सकते हैं हंड्रेड रुपीज करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि अब हम बिलीव करते हैं कि थाउजेंड का लिमिट क्रॉस हो जाएगा और नाइन्टी रुपीज करके हम रेवेन्यू दिखे तो रेवेन्यू हमें टिल डेट इतना दिखाना चाहिए सिक्स नाइन्टी फाइव इंटू नाइन्टी करके बट हमने नाइन्ट तो ऑलरेडी पिछला छह महीना में दिखा दिया तो उतना माइनस कर देंगे इतने का ही रेवेन्यू दिखाएंगे तो बैंक में भले पैसा सिक्सटी थाउजेंड आया फाइव थ्री जीरो फाइव जीरो का हम रेवेन्यू दिखाएंगे बाकी कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेटी आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेट और कुछ नहीं है जो सिक्स नाइनटी फाइव चार्जर उसने अभी तक टिल डेट खरीदा है ना इसको दस रुपया करके बाद में घुमाना पड़ेगा जब थाउजेंड का लिमिट क्रॉस हो जाएगा कि वो तो अभी हंड्रेड रुपीज करके पे कर रहा है पर नाइन्टी रुपीज करके हम ले सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली नाइन्टी रुपीज करके चार्ज होगा आपका तो इतने का कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेटी हम बना देंगे यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है ऐसा नहीं कि करा हुआ नहीं ऐसा ऑलरेडी एस में है मैंने फिर भी आपको एक बार करवा दिया तो चलिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे ट्वेंटी मैं नहीं करवाऊंगा आपको क्योंकि ये बेकार क्वेश्चन है सिंपल आप खुद भी गो थ्रू करोगे हो जाएगा ये आपका कुछ खास क्वेश्चन नहीं है एक दो क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं मैं छोड़ रहा हूँ आप खुद देखना चाहो तो देख लीजिएगा इधर के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए इंडस ट्रिपल वन वाला करवा दूंगा पर पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है मैंने ये सब करवा दिया सेवन करवा दिया मैंने ये भी करवा दिया ये भी करवा दिया इंडस ट्वेल्व अभी मैं करवाता हूँ आपको चलो ये भी करवा दिया। इंडस 12 का एक इंडस 20 है। और आधा घंटा भी, तो तो -फट तो भी नहीं लगेगा पूरा खत्म हो जाएगा तो अगर हम दो घंटे में इतना कुछ कवर कर पा रहे तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी हमारे चलो तो अभी इंडेस ट्वेल्व हम करते हैं इंडेस ट्वेल्व एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है क्या बोला कि फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन में एन टी टी ने एन टी टी पे रेट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट का टैक्स देते हैं इसने नॉन टैक्स डिडक्टेबल ऑफिस बिल्डिंग लिया है वन लाख रुपीज का और इसमें टैक्स डिडक्शन नहीं मिलते है और इसलिए इंडस्ट्रल प्रोहिबिट करता है कि आप इसका डिटेल नहीं बना सकते तो ऐसे तो बोलोगे कैरिंग अमाउंट वन लाख है पर टैक्स बेस इसका नील रहेगा बट यहाँ पर, पर इंडस्ट्रियल हमें प्रोहिबिट करता है हम इसका डिटेल नहीं बना सकते तो कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस होने पर डिटेल बनता है बट अगर क्वेश्चन चला के बोले तो टेम्पररी डिफरेंस आएगा हमारा वन लैख का यस टेम्पररी डिफरेंस आएगा हमारा वन लैख कांगन लाख होगा टैक्स बेस जीरो होगा तो डिफरेंस वन लैख का आएगा बट यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोहिबिट कर हम इसका डिटेल नहीं बनाएंगे तो डिटेल हम नहीं बना सकते तो हम यहाँ पर बेसिकली कैसे आंसर प्रेजेंट करेंगे वो मैं आईसीए के सोल्यूशन के साथ ही आपको बताऊंगा ज्यादा अच्छा रहेगा अभी समय कम है आप और आईसीए जैसा सोल्यूशन एग्जाम में आप प्रेजेंट कीजिएगा बस मैं समझा दूंगा आपको क्या होना है देखो देखो जीरो में हमारा कैरिंग अमाउंट रहेगा वन लाख का जीरो में में आज प्रेजेंट और टैक्स बेस हमारा जीरो का रहेगा तो आपका टेम्प्रेरी डिफरेंस वन लाख का रहेगा बट इसे हम पूरा अन रिकोगनाइज डिफरेंस मानेंगे हम इसे रिकोगनाइज नहीं करेंगे क्योंकि डी डिटेल अलाउड नहीं है तो डिटेल हमारा बनी गई नहीं तो आप एग्जाम में एक बार थोड़ा सा इसको रट्टा मार लेना कि किस तरीके से टेबल बनाना ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले एग्जाम में

टेक्स बेस तो जीरो का जीरो रहेगा तो अब टेम्पररी डिफरेंस नाइन्टी थाउजेंड होगा और ये भी आपका अनरिकॉग्नाइज में पड़ा रहेगा नाइन्टी थाउजेंड का टेम्परिरी डिफरेंस अनरिकोगनाइज में पड़ा रहेगा अब पता है फर्स्ट ईयर में क्या हुआ फर्स्ट ईयर के एंड में हमने क्या किया फर्स्ट ईयर के एंड के बाद यानी सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में हमने क्या किया बिल्डिंग को रिवॉल्यू कर दिया नाइन्टी थाउजेंड से वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड में यानी फोर्टी फाइव थाउजेंड का रिवॉल्यूशन गेन हुआ है

तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर बेस ऑफ एसेट तो फोर्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड का टेम्परी डिफरेंस आएगा और ये मानेंगे रिकग्नाइज टेम्परी डिफरेंस हो ये फोर्टी फाइव थाउजेंड इसका थर्टी परसेंट कितना होगा फोर्टी फाइव थाउजेंड का थर्टी परसेंट कितना थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हम क्या करेंगे डी टी एल बनाएंगे तो वही चीज अब यहाँ पर होना है आपको एग्जाम तो अभी नजदीक ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फोर्टी फाइव थाउजेंड का तो टेम्प्रेरी डिफरेंस रिकोगनाइज टेम्परे और इस पर थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का क्या बनेगा डी टी एल अब हर साल आपका भी तो पहले जो फोर्टीड फर्स्ट ईयर के एंड में हमने बढ़ाया है वो भी आने वाले नाइन ईयर में डेप्रिशिएट होगा तो जो फोर्टी तो फाइव साल लैखन थाउजेंड टेन थाउजेंड रहे फर्स्ट ईयर के एंड में हमने जबकि फोर्टी फाइव थाउजेंड से बढ़ाया है तो रिमेनिंग नाइन ईयर इसकी लाइफ है तो ये फोर्टी फाइव थाउजेंड में भी आपका एडिशनल 5000 करके होगा मतलब हर साल आपका हो तो आप 1, जो हो है, से 1, हर साल हमारा हो रहा है हमारा और ओवरऑल टेम्पर डिफरेंस हमारा तो पूरा ही रहेगा जितना कैरिंग अमाउंट है पूरा ही रहेगा टेम्पर डिफरेंस टेम्पर तो डिफरेंस तो आपका जितना कैरिंग अमाउंट उतना ही रहेगा क्योंकि टैक्स बेस कुछ है ही नहीं लेकिन ये ध्यान में रखना आपका इज टेम्पररी डिफरेंस पुराना वाला का ही होगा बाकी आपका रिकॉगनाइज में आएगा तो मैंने जैसे कहा था कि आपका एक्स्ट्रा से जो फोर्टी फाइव थाउजेंड आपने रिवॉल्यूशन किया उस उसपे भी फाइव थाउजेंड हर साल डॉपीशियन होगा तो जैसे जैसे उस पर भी फाइव थाउजेंड हर साल डॉप्रीशन होगा कैरिंग अमाउंट फाइव थाउजेंड से गिरेगा तो डी भी रिवर्सल होगा जैसे हमने पहले फोर्टी फाइव थाउजेंड से कैरिंग अमाउंट को बढ़ाया था तो इसका हमने थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का डी बनाया था अब अगर आपका ये गिर के फोर्टी थाउजेंड होगा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आपका। तो आपका तो मतलब उसकी वजह से डिटीएल भी हर साल क्या होगा फाइव थाउजेंड का थर्टी परसेंट फिफ्टी हंड्रेड आप देखिए हर साल डीटीएल का रिवर्सल हो रहा है तो यही चीज आपको एग्जाम में कैसे करना देखो एग्जाम में आपने कैरिंग अमाउंट लिख लिया इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा और आपका रिवैल्यू करने के बाद भी कैरिंग अमाउंट लिख लिया ग्रॉस डिफरेंस और कैरिंग अमाउंट सेम ही रहेगा आपका इसको जैसे वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड में हमें पता है नाइन थाउजेंड आपका अनरिकॉग्नाइज वाला जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड रिकग्नाइज वाला जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड में से एट्टी थाउजेंड अनरिकग्नाइज बाकी का फोर्टी थाउजेंड रिकॉग्नाइज तो देखिए रिकॉग्नाइज टेम्परिरी डिफरेंस जो जोल्यूशन वाला है वो हर फाइव थाउजेंड से गिरना हमारा एवरी ईयर हमारा क्या हो रहा है फाइव थाउजेंड से गिर रहा है हमारा और उस वजह से डी टी एल भी, भी तो एग्जाम के लिए ये याद रख लो डी टी एल से हर साल गिरेगा ठीक है मतलब डी टी एल थर्टी परसेंट और रिकॉन्नाइज टेम्परे डिफरेंस फाइव थाउजेंड से हर साल गिर रहा है हमारा अन रिकॉग्नाइज डिफरेंस तो टेन थाउजेंड से गिरेगा कुल मिला के फिफ्टी थाउजेंड का जो डेप्रिसिएशन हो रहा उसका है उसका इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर बस बात खत्म तो ये आराम से आप टेबल बना लोगे एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना अभी रफ में एक बार आप टेबल बना लेना फटाफट से बन जाएगा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में बस इस क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं चाहता रहा है वो जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा उस पर हम क्या करेंगे चलिए तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको अब इधर कौन सा क्वेश्चन बच्चा इंडेस ट्वेंटी वाला भी करवाऊंगा पर उससे पहले इंडेस ट्वेंटी वाला तो बुक का ही सेम क्वेश्चन है पर फिर भी एक बार दिखा दूंगा कैसे जर्नल वगैरह बनते है आज जो एक वन वन वाला ये मैंने एडिशन में मैराथन में, में भी करवाया था आप लोग तो मैं अभी फिर से एक बार करवा देता हूँ एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये भी देखिये एनटीटी ए एंड बी ने एस्टैब्लिश किया फिफ्टी फिफ्टी का ज्वाइन ऑपरेशन ज्वाइंट वेंचर नहीं ज्वाइन ऑपरेशन है जहां पर दोनों एंटिटी अपना अपना रेस्पेक्टिव एसेट दिखाएगी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट एसेड लाइबिलिटी सब कुछ दिखाएगी ज्वाइंट ऑपरेशन है तो एंटिटी ए ने एक पता एक प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट किया जिसकी फेयर वैल्यू हंड्रेड टेन लाख है और इंटेंजिबल एसेट एक कंट्रीब्यूट किया जिसकी फेयर वैल्यू लाख लाख है तो 120 का इसने कंट्रीब्यूट किया फेयर वैल्यू का एंटिटी ए ने जबकि इसकी कैरिंग अमाउंट लाख तो आप मेरी बात सुनो ये जो एंटिटी ए के बुक्स में क्या होगा एंटिटी ए का अगर आप देखोगे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट हम डी रिकॉग्नाइज कितना करेंगे इसने हंड्रेड लाख का अगर एसेट दिया है एंटिटी ना हंड्रेड लाख डी रिक्ज हो जाएगा, है है जाएगा। और ये दिया कि इसको को कितने में रिकॉर्ड करेंगे मानेंगे फेयर वैल्यू जितना उस हिसाब से ज्वाइट ऑपरेशन रिकॉर्ड करेगा हंड्रेड टेन ऑट हंड्रेड ट्वेंटी लाख में ज्वाइंट ऑपरेशन रिकॉर्ड करेगा हंड्रेड टेन ऑट है ना आप यहां पर ये वाला स्कीम मत लगाना

अपने डी है लाख का किया बदले में इसके पास लॉट के आ जाएगा कितने का सिक्सटी सिक्सटी का इसका एसेट वापस ही रिकॉग्नाइज भी करेगा यानी कहने का मतलब देखा जाए तो इससे हमें पता क्या चल रहा पता है पूरा का पूरा हंड्रेड डी रिकॉग्नाइज होगा ही नहीं क्योंकि फिफ्टी परसेंट तो लॉट के भी तो आ जा रहा है तुम ये समझेंगे कि हंड्रेड का इसका डी रिकोगनाइज नहीं होगा इसका रिकग्नाइज जो है वो फिफ्टी का डी रिकोगनाइज होगा और सिक्सटी का रिकोगनाइज हो रहा है हम मानेंगे टेन का इसका प्रॉफिट है ये मैंने इंडेस्ट ट्रिपल वन में भी आपको बताया था कि हम जो एसेट दे रहे हैं हंड्रेड लाख का उसका आधा तो घूम के हमारे पास ही आ जा रहा है तो देखा जाए तो हम फिफ्टी एसेट ही बेच रहे हैं फिफ्टी परसेंट एसेट बेच रहे तो कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड फिफ्टी परसेंट होगा बी रिकॉगनाइज करोगे और बदले में हम मानेंगे कि हंड्रेड ट्वेंटी के पास जा रहा है उसका फिफ्टी परसेंट सिक्सटी लाख हमें कैरिंग अमाउंट ज्वाइंट ऑपरेशन वाले को जा रहा तो है अगर एंटिटी बी की बात करूं एंटिटी बी एटी लाख का कैरिंग अमाउंट दे रहा है कितने में दे रहा है वन ट्वेंटी लाख में दे रहा है इसका आधा सिक्सटी लाख तो फोर्टी लाख का एसेट सिक्सटी लाख में दे रहा है मतलब ट्वेंटी लाख का क्या होगा प्रॉफिट होगा यानी आप बस इतना समझो यहाँ पर इंडस्ट्रिपल वन में मैंने अच्छे से समझा था अभी मैं स्पीड में बता रहा हूँ अभी आपको आप बस इतना समझिए यहाँ पर एग्जाम परस्पेक्टिव में फिफ्टी फिफ्टी अगर बोला है तो हम ये मानेंगे ज्वाइन ऑपरेशन को जो भी दिया जाता है उसमें हिस्सा ए और बी का फिफ्टी फिफ्टी होता है तो देखा जाए तो जॉइन ऑपरेशन को बेच ही नहीं रहा हूँ मैं ए हूँ आप बी हो अगर मैं ज्वाइंट ऑपरेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ देखा जाए तो मैं ज्वाइन ऑपरेशन को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा मैं खुद को और आपको फिफ्टी फिफ्टी कंट्रीब्यूट तो मेरा हंड्रेड का कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है उसमें से आधा तो आपके पास जाएगा आधा मेरे पास ही रहेगा तो मैं आधा ही तो डी रिकॉगनाइज करूंगा तो मैं फिफ्टी का कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट डी रिकोगनाइज करूंगा वो जा कितना मेरा ज्वाइन ऑपरेशन को वन में जा रहा है तो वन का आधा मुझे मिलेगा मतलब सिक्सटी मुझे मिलेगा मेरा ना सिक्सटी मुझे मिलेगा यानी मेरा फिफ्टी का डी रिकोगनाइज होगा सिक्सटी का रिकोगनाइज होगा मेरा टेन का फायदा अब आपकी बात करता हूँ आप बी हो आपका एट्टी का कैरिंग अमाउंट था आधा आपके पास ही रहेगा आधा मेरे पास आएगा यानी आधा ही आप डी रिकोगनाइज करोगे फोर्टी डी रिकोगनाइज करोगे आप देख कितना मेरे उसकी फेयर वैल्यू कितनी है फेयर वैल्यू वन लाख बता दिया तो वन लाख का आधा सिक्सटी लाख आपको मिल जाएगा

IC का जैसा सोल्यूशन ही प्रेजेंट करे है, वो ज्यादा अच्छा देखिए इसमें ऑल्टरनेटिव दिया वो ऑल्टरनेट को हटाओ हटाओट की जरूरत नहीं है आप यहां पर देखो यहां पर ए का पैर वैल्यू जो कंट्रीब्यूट किया है वो सिक्सटी का है और इसका जो कैरिंग अमाउंट है वो कितने का फिफ्टी का टेन का फायदा हुआ और इधर बी की भी बात करूं इसका कैरिंग अमाउंट एट्टी का फिफ्टी परसेंट फोर्टी है और इसको मिला है वन ट्वेंटी का फिफ्टी परसेंट सिक्सटी यहाँ पर ट्वेंटी का इसका फायदा और है। बस बात खत्म इतना ही आप अगर, तो अच्छा अगर सोचे तो, तो, तो भी अगर हम ये वाला चीज भी सोचे तो भी चलेगा एक बात मैं चलो, एक करवाई देता हूं ए एक एक और बी चलो अभी तो क्वेश्चन खत्म होने वाला हम कर लेते हैं आराम से आपको क्लियर कराई देता हूं ए का कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कितने का है हंड्रेड का है इसका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितने का है वन ट्वेंटी लैख ठीक है बी का कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कितने का है एट्टी लैख का है. Fair value of asset कितने है और इसमें वन ट्वेंटी लैख डायरेक्ट नहीं इसमें क्या है हंड्रेड टेन लाख है प्लस टेन लाख है अब मैं अगर ए की बुक्स में बात करूं तो ए क्या करेगा सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो फिफ्टी लाख इसमें से फिफ्टी लाख जो है वो चला जाएगा बी के पास तो ए अपना डी रिकॉग्नाइज करेगा टू एसेट एसेट जो asset इसका है ए का एसेट क्या था ए के पास क्या एसेट था बताओ इंटेंजिबल एसेट और इक्विपमेंट ए के पास इंटेंजिबल एसेट और इक्विपमेंट था जो ये डी रिकोगनाइज करेगा टू इंटेंजिबल एंड इक्विपमेंट ये डी रिकोगनाइज करेगा फिफ्टी और बदले में इसको मिल किया जाएगा बदले में इसको बी से मिल जाएगा एसेट कौन सा बी के पास एसेट कौन सा जो इसको मिलेगा बी के पास कौन सा अच्छा इक्विपमेंट ही तो था ना इसका इंटेंजिबल था अच्छा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इंटेंजिबल था प्रॉपर्टी एंड इंटेंजिबल इसका जाएगा और इसको बदले में मिलेगा इक्विपमेंट तो इक्विपमेंट ये क्या दिखा देगा फेयर वैल्यू एसेट गिवेन अप अगर ये ले तो उसका फिफ्टी परसेंट दिखा देगा यानी हंड्रेड ट्वेंटी का सिक्सटी परसेंट सिक्सटी लाख में इक्विपमेंट दिखाएगा और फिफ्टी लाख का डी रिकग्नाइज करेगा इसका पी एन एल में चला जाएगा कितना टेन लाख रुपीज़ ये ए की एंट्री है यानी ए क्या करेगा सिक्सटी लाख का इक्विपमेंट दिखाएगा जो कि बी से इसको इक्विपमेंट मिला है ना उसका आधा सिक्सटी लाख का दिखा देगा है ना जो इसका फेयर वैल्यू एसेट उस हिसाब से दिखा दिया यानी फेयर वैल्यू एसेट गिवेन अप के हिसाब से और प्रॉपर्टी आपका जो इंटेंजिबल एसेट है

आप डायरेक्टली ये वाला सोल्यूशन देखना और गेन रिकोगनाइज कर देना बस बात खत्म अभी उतना समय नहीं है इतना ज़्यादा और डीप जाने का ज़्यादा डीप नहीं जाते कॉन्सोलीटेशन ट्रीटमेंट भी पूछाएगा कॉन्सोलीटेशन ट्रीटमेंट में तो ये एलिमिनेटी हो जाए कॉन्सोलीटेशन का तो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कॉन्सोलीटेशन यहाँ पर हो कैसे रहे से भी अपने अपना इंडिविजुअल ज्वाइंट ऑपरेशन है ज्वाइंट वेंचर में हम कॉन्सोलीन करें जब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होता है या इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होता है तब हम कॉन्सोडेशन करते हैं ऑपरेशन में थोड़ी ना कॉन्सोलिटेशन होता है। और इन्होंने भी इसलिए कुछ नहीं किया देख लो यस कुछ नहीं किया क्योंकि जॉइंट वेंचर में कॉन्सोलिटेशन होता है ऑपरेशन में कहाँ कॉन्सोलिटेशन होता है चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका अब मैं आगे देखता हूं कौन सा क्वेश्चन करवाना है बाकी ये ट्वेंटी आप खुद कर लेना करना हो तो इसमें भी थ्योरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप खुद एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा बड़ा क्वेश्चन अभी नहीं कराता हूँ बस ये नहीं करवाया आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि टाइम आपका भी कीमती मेरे ख्याल से वो आएगा भी नहीं इसलिए मैंने इतना उसको एम्फोसिस नहीं कर रहा हूँ चलिए गवर्नमेंट ग्रांट वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है ये वाला मैं फटाफट आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट ग्रांट वाला देखो एन एक फैक्ट्री ओपन कर रही है और उसे उसके लिए ग्रांट मिल रहा है तो फिफ्टीन थाउजेंड का ग्रांट मिल रहा है और इक्विपमेंट उसने वन लैख का खरीदा है लाइफ फाइव ईयर से समझ लो डेप्रिशिएशन ट्वेंटी परसेंट हर साल स्ट्रेट लाइन होगा एज्यूम करो रीजनेबल एश्योरेंस की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी फॉर ईयर वन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड सो द प्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ दिस ग्रांट इन बोथ बैलेंस दिसल पी एन एल आपको इफेक्ट दिखाना है तो आपको ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होगी आपको याद होगा ग्रांट रिलेटेड टू एसेट में हम क्या करते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट में दो प्रकार का ट्रीटमेंट होता है एक तो हम क्या करेंगे जो आपका इक्विपमेंट है पूरा का पूरा दिखाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बैंक वन लाख की एंट्री हो जाएगी मैं जर्नल एंट्री साथ साथ बता रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लान टू बैंक हो जाएगा वन लाख का फिफ्टीन थाउजेंड जो ग्रांट मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे पैसा आ रहा है बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट और अगर हम डेफर करना चाहते तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम दिखाएंगे डेफर्ड मतलब डेफर्ड क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी शो so करेंगे अंडर द हेड लाइबिलिटी बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम एक काम करता हूँ मैं इसकी एंट्री मैं साथ साथ बताते जाता हूँ वहाँ ले चलता हूँ ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव वन में हम क्या करेंगे एक तो पीपीई टू बैंक दिखा दूंगा वन लैख का ठीक है और जो गवर्नमेंट ग्रांट हमें फिफ्टीन थाउजेंड का बैंक में पैसा मिला वो दिखा देंगे बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम ये लाइबिलिटी होगा हमारा ठीक है ये हम लाइबिलिटी दिखाएंगे नॉन करंट करंट लाइबिलिटी में स्प्लिट करके हम दिखाते हैं कितने का दिखा देंगे फिफ्टीन

टू पीपी भी सही है क्वेश्चन कौन सा था ये फाइव डेप्रीशिएशन टूम आप भी एग्जाम में ये लिखना डेप्रीशिएशन टू एक्टेडिए थाजेंड और ये डेप्रिशिएशन का ऐसे डायरेक्टली हम यहां पर पीएल ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर आईसी ने क्या किया कि एक और एंट्री पास किया जहां पर ट्रांसफर कर रहा है इसकी कोई नीड नहीं थी इस एंट्री के बट आई ने किया तो मैं बता रहा हूं आपको डेप्लीकेशन को फिर पीएनएल में ट्रांसफर भी किया चलो उपाय नहीं नीड है तो मैं बता रहा हूँ फिर अगर इसकी मैं एंट्री करूँ तो फिफ्टीन थाउजेंड जो ये हर साल इसमें से थ्री थाउजेंड जो है आपका पीएनएल में क्रेडिट होगा तो हम पीएनएल में कैसे क्रेडिट करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट इनकम थ्री थाउजेंड हम पी एन एल में दिखाएंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम पीएनएल में दिखाएंगे और जो गवर्नमेंट ग्रांड डेफर्ड इनकम हमने जो क्रेडिट किया हुआ है लाइबिलिटी ये रिवर्स होगा हमारा थ्री थाउजेंड से और ये हम इनकम दिखा देंगे हालांकि मैं चाहता तो सीधा यहाँ पर पी लिख सकता बट आई क्या कर रहा पता है बताएं इसको फिर पी में ट्रांसफ़र की एक अलग एंट्री दिखा रहा है गवर्नमेंट ग्रांट इनकम थ्री थाउजेंड टू पी अलग से एंट्री दिखा रहा है क्या करेंगे दिखाना पड़ेगा ये थ्री थाउजेंड अपने एंट्री दिखाया तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई हमारी है ना ये जर्नल एंट्री हमारी है फर्स्ट ईयर की एक साल की जर्नल एंट्री बोला हमने कर दिया तो इनिशियली पी, -पी रिकॉर्ड किया पीपी -पी में डेप्रिसिए्यूमिलेटेड टू डेप्रिसिएशन पी एन एल में ट्रांसफर हुआ फिर इनिशियली बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम फिफ्टीन थाउजेंड का दिखाया उसमें से थ्री थाउजेंड हमने पी में क्रेडिट कर दिया हमने और वो पी में चार्ज कर दिया पी को क्रेडिट कर दिया हमने उसके ट्रांसफर की एंट्री में दिखा दी दि अब मुझे एक बात बताओ स्टेट पी का एक्स्ट्राक्ट जब होगा पी के एक्ट्राक्ट में क्या आएगा एक तो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम अदर इनकम में जाएगा थाउजेंड का और एक डेप्रीशन आप दिखाओगे कितने का ट्वेंटी थाउजेंड ये पी एन एल का एक्स्ट्राक्ट में होगा अगर हम उससे बैलेंस शीट पूछोगे तो बैलेंस शीट में क्या आएगा एक तो पी पी आएगा हमारा कितने का एट्टी थाउजेंड का पी पी दिखाएंगे और एक गवर्नमेंट ग्रांट नॉन करंट लाइब्रेटी में आपको बता दूं एक नॉन करंट लाइब्रेटी दिखाते करंट लाइब्रेटी दिखाते हैं नॉन करंट लाइब्रेटी में भी गवर्नमेंट ग्रांट एफर्ड इनकम होगा और करंट लाइब्रेटी में भी गवर्नमेंट ग्रांट एफर्ड इनकम होगा

तो ये थाउजेंड को आप स्प्लिट करोगे नाइन थाउजेंड और थ्री थाउजेंड में आप स्प्लिट करोगे ये ध्यान में रखना तो ये एक तरीका तो मैंने बता दिया ऑल्टरनेटिवरनेटिव टू में हम क्या करते पता है इसमें हम एसेट से ही ग्रांट को एडजस्ट कर देते हैं जैसे एक तो मैंने पीपी टू बैंक दिखाया कितने का वन लाख का ना ये मैंने दिखाया पीपी टू बैंक वन लाख का और जो मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिला बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिला कितने का फिफ्टीन थाउजेंड का इसको मैं क्या करूंगा पता है पीपी ई से एडजस्ट कर दूंगा गवर्नमेंट ग्रांट फिफ्टीन थाउजेंड टू पीपी करके मैं एडजस्ट कर दूंगा यानी जो पैसा मुझे बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट मिला वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा पीपी ई को एडजस्ट कर दूंगा तो पीपी मेरा वन लाख से फिफ्टीन थाउजेंड माइनस करके मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ पी पी कितने का दिखेगा एट्टी फाइव थाउजेंड का मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी दिखेगा अब आगे जाके डेप्रिसिएशन क्या होगा फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन टू अगर आप बोलोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप बोलोगे सेवेंटीन थाउजेंड होगा और आपका ये डेप्रीशियशन पी में चार्ज होगा सेवनटीन थाउजेंड आपका पी एन चार्ज होगा और स्टेटमेंट ऑफ पी अगर हम बनाएंगे तो यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट का आपका डेफर्ड इनकम ने खड़ा ही नहीं किया हमने सीधा एसेट से माइनस किया हुआ है तो पी में सिर्फ डेप्रीशिएशन का फिगर जाएगा वो भी नेट पे सेवनटीन तो पहले भी सेवनटीन थाउजेंड ही नेट हो रहा था देख लो दोनों का मिला के सेवनटीन थाउजेंड ही नेट हो रहा था पहले अलग अलग से दिखाया अभी हम सीधा सेवनटीन थाउजेंड नेट दिखा रहे हैं और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में पीपी -पी का कॉस्ट जो है वो वन लैक का है उसमें से हमने एडजस्टमेंट किया गवर्नमेंट ग्रांट का कितना ,000, ,000 हुआ उसमें से आपका एक्यूमुलेटेडन कितने का सेवनटीन थाउजेंड का है यानी आपका का मैंने फटाफट रफ में फटाफट करा एकदम स्पीड में ये सिक्सटी एट थाउजेंड ग्रांट का कोई लेजर होगा ही नहीं क्योंकि वो हैड ही अपने खड़ा नहीं किया आप सीधे अपने सीधा एसेट से ही उसको एडजस्टमेंट बताओ समझ में आया हाँ या ना बताओ समझ में आया मैंने स्पीड में करा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करा हुआ आपका तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन ही करा दिए बाकी जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है आप ना टाइम मिले तो वो क्वेश्चन आप जरूर से कर लीजिएगा अब मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी और मुझे एक वो फील आ रहा था यार अधूरा रह जाएगा अगर आर नहीं करा पाया तो, तो थोड़ा अधूरा अधूरा फीलिंग आ रहा था दोपहर को मैं क्या किया फीवर की दवाई ली एजिथ्रोमाइसिन एक लिया इसी ने के लिए और आगे सो गया मैं फिर शाम को जब उठा तो मुझे अच्छा बैटर फील हुआ फिर मैंने एक बार गो थ्रू किया फटाफट आर टी पी में आई सी का सोल्यूशन वगैरह किया दो घंटा लगा डेढ़ दो घंटा मैंने गो थ्रू किया पूरा अच्छे से फिर बाद में ले लिया और फाइनली अब मैं सेटिस्फाइड हूँ क्वेश्चन नंबर वन में यूट्यूब में है आपको लिंक दे दूंगा ठीक है क्वेश्चन टू करवा दिया मैंने बहुत स्पीड में करा हमने ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने कहा सिमिलर है एयरटेल टेलीकोम्युनिकेशन वाला मैराथन में भी कराया ये यूट्यूब में है लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूंगा आपको वापस से नहीं तो यूट्यूब में सर्च करोगे तो मिल जाएगा लिंक नहीं देने से भी चलता है ये फाइव करवा दिया इंडेस एट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछोगे तो इंडेस एट क्वेश्चन नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्या पता पूछ लें घटिया सा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से एट इंपॉर्टेंट था इसके अलावा नाइन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नाइन एट नहीं बोला मैंने इंडेस एट वाला बोला था क्वेश्चन नंबर सिक्स इंडस एट वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नाइन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टेन भी इंडेस सेवन वाला इंपॉर्टेंट है वन जीरो फाइव वाला ये इंडेस टू वाला क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप सेल्फ करोगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब एक बार गो थ्रू कर लेना समय मिले तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं। है इंडस ट्रिपल वन वाला इंडस थर्टी सिक्स वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इंडस नाइनटीन वाला भी इंपॉर्टेंट है करवा दिया ये सब इतना फोर्टी वन वाला भी इंपॉर्टेंट है करवाई दिया और थर्टी सेवन वाला भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने प्राइस सारे करवा दिया अब बस इसकी पी जो है जो मैं कर दूंगा तो चलिए हमने फाइनली आर पूरा डिस्कस कर लिया इतना दो घंटा लगा क्या यस दो घंटे में हो गया हमारा चलो बढ़िया मुझे थोड़ी शांति हुई करवा दिया ना आप लोगों को नहीं थ्योरी वगैरह नहीं लिखना सीधा प्रैक्टिकल करो जहाँ पर पता है नॉलेज है वो नॉलेज को लिख के आगे अलग बात है एक्स्ट्रा से कोई थ्योरी भरने की जरूरत नहीं पड़ता वैल्यू सी इंपॉर्टेंट रहते हैं एफ में तो लाइक जरूर से कीजिएगा अगर अच्छा लगा वीडियो समझ में आया सीशन आरटीपी अच्छे से हुआ तो लाइक जरूर से कीजिएगा ये वाला भी सैर कर दिया और क्या सैर करना चाहता हूं अच्छा सॉल्यूशन वाला था ना वो भी सैर करना चलो आप सभी को बहुत मतलब बेस्ट विशेष आप सभी को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और पैनिक मत करिएगा एग्ज़ाम में ठीक है ये बात का ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा एग्जाम ज़रूर अच्छा होगा पैनिक करोगे तो एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है पैनिक मत कीजिएगा ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए और इंडिया सेवन आप है ना यूट्यूब में ऑलरेडी है उससे आप कर लीजिएगा और अब मैं आपको परेशान और नहीं करूँगा आप बस अच्छे से एग्ज़ाम दो आप ठीक है एफआर में हमने सब कुछ कवर किए ये वैसे आप अच्छे से करो आप अपना जितना हो सके बेस्ट रिवीजन करो आप जितना हो सके बेस्ट रिवीजन कीजिए चलो सही है यस एग्जाम को पैनिक कर देना आजीएम जी पर खुद से पैनिक मत हुए बिल्कुल भी बस एकदम ये सोचिएगा कि हमने तैयारी की है जो तो भी क्वेश्चन आएगा जितना हमसे बेस्ट पॉसिबल हो सके हम उसे अटैम्प्ट करेंगे और जितना हमें आता है वो लिख के आएंगे अगर क्वेश्चन ईजी आए टफ़ आए वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा आप सोचो भी मत उसके बारे में जो भी पेपर आएगा वो सभी के लिए आने वाला आप अकेले नहीं हो कि आप अकेले के लिए पेपर आएगा तो एग्जाम टाइम में अगर पेपर बहुत ईजी आए तो भी बच्चे पैनिक होते हैं बहुत टफ आए तो भी पैनिक होते एवरेज है तो भी पैनिक होते पैनिक नहीं होना जैसा भी पेपर आए पैनिक नहीं होना है आपको बस ये सोचना है मेरे पास नॉलेज है हमने पढ़ा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नॉलेज है वो नॉलेज को उतारना है उस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आता है दिख रहा है वो पहले अटैम्प्ट कीजिए ऐसा नहीं सीरियली जाना है जो आता है उसे अटैम्प्ट कीजिए पहले ऐसे करते 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 जाइए इतना भी पेपर मैंने देखा पेपर टफ से टफ पेपर आता तब भी बहुत सारे बच्चे सेवेंटी प्लस लाते कौन लाते बोलो कौन है वो लोग जो पैनिक नहीं करते जो बस शांति से तीन घंटा लिखते एग्जाम में बिल्कुल पैनिक नहीं उनका सेवेंटी इवन टफ पेपर में भी आता है और नहीं आना होगा सेवेंटी तो इजी पेपर में भी नहीं एसएफएम एफ एम मैराथन होप्स हो तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक रही तो हम लेंगे इवनिंग को ठीक है एसएफएम एफ एम का मैराथन इवनिंग को ले लेंगे अगर तबियत वगैरह ठीक इंडेस का कंसेप्ट रिविजन करा दीजिए क्वेश्चन कर लो ना सीधा इंडस ट्वेल्व एंड इंडस फोर्टीन क्वेश्चन भी नहीं लगेगा सीधा क्वेश्चन कर लो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ठीक है चलो बोले बाबा आप सभी को ब्लेस करें और आपकी सभी की एग्जाम ठीक है हर हर महादेव चलो बाय बाय एवरीवन अभी मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करता हूँ अभी हम विदाई लेते फिर यस टीम ले रहा हूँ मैं टीम वगैरह ले रहा हूँ चलो बाय बाय एवरीवन ठीक है अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा है ना बिल्कुल भी घबराना मत पैनिक मत करना अच्छे से एग्ज़ाम देना चलो जी बाय बाय एवरीवन